हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में। हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 और पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है इंग्लिश लैंग्वेज में। 8 यूनिवर्सल रूल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो फाउंडेशन था आपका, आपके बेसिक्स थे वो। फिर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया और मैंने ये बताया कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही और द सेम चैप्टर इज टेंसेस। मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको वो सारे चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं सबसे ज्यादा पहले पढ़ा रहा हूँ और ये आपके बेसिक्स में भी हेल्प करते हैं। आपको पता ना, टेंसेस भी ऑलमोस्ट बेसिक का ही पार्ट है। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्या क्या इस क्लास में, चलिए देखते हैं। क्लास लेकिन मेरा वादा है बहुत जबरदस्त होने वाली है, भरी हुई होगी मजे से एकदम, ठीक है। तो टेंसेस में आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं। तो उस पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, इनडेफिनिट टेंस कवर करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट टेंस पे नजर डालेंगे कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ हम परफेक्ट टेंस करेंगे। परफेक्ट टेंस में भी हम तीनों करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज के ये दो टेंस हम इसमें निपटा देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, मैं जो बचे हुए दो टेंस है मतलब कॉन्टिन्यूस वाले और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले करा दूंगा और लास्ट क्लास में एक जबरदस्त क्लास टेंसेस आपके तैयार। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आप याद रखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं। अच्छा खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अराउंड 30 क्वेश्चंस जो आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनडेफिनिट और परफेक्ट, उस पर आज आप 30 क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे और क्या चाहिए जीवन से। और लास्ट में, क्योंकि हर क्लास में मैंने वादा किया है वोकैबुलरी देने का, तो आज की क्लास में वोकैब भी ज्यादा है मेरे चीते, 20 क्वेश्चंस वोकैब के हैं। 20 क्वेश्चंस वोकैब का मतलब है आज आपको 100 वर्ड वोकैब में भी मिल ही जाएंगे हर हाल में, है ना। 20 वर्ड है, एक वर्ड के 4 ऑप्शन, बाकी मैं सिनोनिम एंटोनिम बताता ही हूँ आपको पता है। तो आपको 100 वर्ड आज वोकैब के भी मिलने वाले हैं। तो 2 घंटे में 30 क्वेश्चन 100 वर्ड वोकैब के और 2 कॉन्सेप्ट टेंसेस के, जहां से क्वेश्चन आते ही हैं और क्या चाहिए जीवन से, लग जाओ फिर, है ना। सो लेट्स मूव फर्दर और बात करते हैं आज के टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, मैंने आपको बताया भैया, टॉपिक है आज का हमारा टेंस। तो जब भी मैं बात करता हूँ ना टेंस की और मैं बच्चे से पूछता हूँ टेंस क्या होते हैं, तो बच्चे सीधे कहते हैं सर टाइम बताते हैं, ये टाइम बताते हैं, टाइम बताते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, 3 तरह का टाइम तो मुझे पता है, एक मेरे पास प्रेजेंट होता है टाइम, एक मेरे पास पास्ट बीता हुआ कल और एक आने वाला कल जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो इन्हीं 3 तरह के टेंस होने चाहिए, मुझे लगा 3 टेंस होते हैं तो 3 तरह का टाइम होगा, 3 तरह का टाइम है, 3 तरह का टेंस है, ठीक है। बट अभी कहानी वहां बिगड़ती है जहां प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे पास तो सर इंडेफिनिट भी है ना, सर कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है, परफेक्ट टेंस भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है। तो अगर ये टेंस है तो ये क्या है ना, ये वाला सवाल मुझे परेशान करता है। तो इसका सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है कि भैया टेंस 2 चीजें बताता है। जो टेंस होता है ना, टेंस 2 चीजें बताता है। टेंस में पहली चीज तो होती है टाइम, ये समय बताता है, और दूसरी चीज जो इनके थ्रू बता पाता है उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन। तो कभी ये मत कहिए कि टेंस सिर्फ टाइम बताता है, वो टाइम के साथ साथ ये भी बताता है कि नेचर ऑफ एक्शन क्या था। नेचर ऑफ एक्शन का मतलब है कि जब काम किया गया तो क्या लगातार किया जा रहा था, कॉन्टिन्यूस था, या फिर जो काम किया बस वो हो गया, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, क्या वो परफेक्ट वर्क था या पता नहीं इंडेफिनेट था। तो ये सारे नेचर ऑफ एक्शन होते हैं। तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेचर ऑफ एक्शन होते हैं, और टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम बताता है। अब इतना ज्यादा, इससे ज्यादा जानने की ना आपको जरूरत नहीं। अब हम सीधे चलते हैं कहां पे, एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस पे, जो आपके क्लास में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस, क्या मतलब हुआ भाई इसका, एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस का, इस्तेमाल टेंसेस का। अगर मैं अभी किसी बच्चे से पूछ लूं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, बच्चा एकदम बता देगा सर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के एस और यस लगा दो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मैं कहूंगा भाई परफेक्ट क्या होता है, तो तुम कहोगे सर हैव, हैज, हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो तो ये परफेक्ट हो गया। मैं कहूंगा फ्यूचर टेंस क्या होता है, तुम विल और शैल लगा के मुझे बना दोगे, पर ये
एप्लीकेशन नहीं है, ये तो तुम फॉर्मेटिंग बता रहे हो, फॉर्मेट बता रहे हो। और प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में ना आपके फॉर्मेटिंग कहीं से नहीं आती है, एग्जाम में फॉर्मेटिंग कहीं से नहीं आती है। तो सवाल ये है कि आता क्या है, आती है एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस। तो हम सीखेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस के कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट की, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मेट गली का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म लगा दो, है ना, यही प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दो, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लगा दो, कहानी खत्म, इंडेफिनेट सिर्फ इतना सही होता है ना, फॉर्मेटिंग में तो यही है। लेकिन सर ये बताता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब बस यही बच्चा फंस जाता है। तो देखो सबसे पहले तो ये यूज होता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए, अभी बताऊंगा हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये यूज होता है जब भी आप कोई यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो, या कोई फैक्ट बता रहे हो, या कोई जर्नल ट्रूथ हो, मतलब कहने वाली बात हो जिसको लोग अक्सर सच मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं सूरज पूरब से निकलता है, तो पूरब से ना तो निकलता है ना डूबता है, ये पृथ्वी घूमती है इसलिए हमें ऐसा लगता है, ये बात तो सब जानते हो, बट हम बोल देते हैं भाई सूरज निकल रहा है, तो ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, जनरल ट्रूथ बताता है, फैक्ट बताता है। हाँ भाई, तीसरी चीज ये बताता है इमीडिएट एक्शंस, और ये बताता है चौथी चीज प्रेजेंट नरेटिव। ये भी बड़े मजेदार चीज है, आज सीखोगे इसे, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम पे क्या पढ़ाया गया है, और मजेदार चीज है कि ये फ्यूचर भी बताता है, और भैया एक नहीं दो नहीं बच्चा तीन तरीके से फ्यूचर बताता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पर उससे पहले हम जाएंगे वापस और बात करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडेफिनिट होता क्या है। जब भी इंडेफिनिट पढ़ाया जाता है ना, तो ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस और खासतौर से हिंदी मीडियम्स में जो मैंने सुना, तो क्या कि भाई ता ती ते होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताते हैं, ता ती ते, भाई ऐसा कुछ नहीं, कोई डांस नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ता ती ते हमेशा नहीं होता है इसका मतलब, ता ती ते हमेशा इसका मतलब नहीं होता है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो तातीते इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। जैसे मान लो मुझे गिटार बजाना पसंद है, मैं गिटार बजाता हूँ, वो मेरे घर आती है, हम खेलते हैं, तो ये सारे क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है। चाहे आप उसे रोज करते हो, चाहे आप उसे एक दिन छोड़ के करते हो, चाहे आप उसे महीने में एक बार करते हो, या जब आपको अच्छा लगता हो करते हो। जैसे मैं कहूं शी वर्क्स विद एन MNC, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करती है, शी वर्क्स विद एन MNC, तो वर्क मैंने बोला सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। अक्सर हम बोल देते हैं कोई तुमसे पूछता है और बताओ क्या कर रहे हो आजकल, तो तुम ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता आई एम वर्किंग विद फिजिक्स वाला, बदतमीजी हो जाएगी ये फिजिक्स वाला की और मेरी, दोनों की इंसल्ट हो जाएगी, गलत सेंटेंस हो जाएगा, मुझे कहना पड़ेगा आई वर्क विद फिजिक्स वाला, ठीक है, या आई वर्क इन फिजिक्स वाला, दोनों ही ठीक है। सो आई वर्क विद फिजिक्स वाला मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है, काम कर रहा हूँ, रेगुलर एक्शन है, तो रेगुलर हो इरेगुलर हो इससे मतलब नहीं है, पर लगातार होने वाला नहीं है। मैं इस समय तो पढ़ा ही रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा देखो इसे ऐसे समझो, जैसे तुम्हें याद होगा स्कूल में, जब तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, थर्ड फोर्थ क्लास में आ गए थे, तो एक शर्मा जी तुम्हें याद होंगे जो तुम्हारे घर आते थे, जिनके सामने मम्मी पापा तुमसे कहते थे बेटे पोएम सुना दो, ABCD सुना दो, तो शर्मा जी बड़े चौड़ में रहते थे, अरे क्या बात है आपका लड़का तो सीख रहा है, पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। तो होता क्या था कि आपसे पूछा जाता था कि हाँ भाई बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप, आप कहते थे आई एम स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ। जब आपसे ये कहा जाता था ना, तो शर्मा जी कहते अरे क्या बात है, लड़का तो आपका जबरदस्त हो गया है, ये तो IAS ही बनेगा, इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है, घंटा बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है, सेंटेंस भी गलत है, और शर्मा जी तुम्हें भी कुछ नहीं आता, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे गलती क्या हो गई है,
यहाँ पे गलती है कि ये कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं है, तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम कह रहे हो आई एम स्टडिंग तो उसका मतलब होगा राइट नाउ। जैसे अभी मान लो मेरे पास एक मीटिंग के लिए कॉल आता है ना पीडब्ल्यू से, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम कंडक्टिंग अ क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ। या मेरे किसी फ्रेंड का फोन आता है किसी काम से, तो मैं क्या बोलूंगा ना, आई एम कंडक्टिंग अ क्लास, कब, राइट नाउ। तो ये अभी के एक्शन के लिए होते हैं, ये राइट नाउ नहीं है इसमें। तुमने क्या बोला, आई एम स्टडिंग, इसका मतलब हो जाएगा अभी, अभी नहीं कहना चाह रहे हो। मेहमान आया है, पूछ रहा है बेटे कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो तुम्हें आई एम स्टडिंग नहीं कहना होगा, तुम्हें कहना होगा आई स्टडी इन क्लास में। समझ आई बात, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, है ना। हैबिचुअल एक्शन में एक सेंटेंस और दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा आई प्ले द गिटार, तो क्या मतलब हुआ यार, जब मेरा मन होता है, मौसम अच्छा होता है तब बजाता हूं, जरूरी नहीं है कि रोज बजाता हूं, तो सिंपल है ये। इसके बाद जब आप बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की या फैक्ट की, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा लिक्विड्स कीप देयर लेवल, तो लिक्विड्स अपना लेवल रखते हैं। कहने का मतलब है आप किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड डालेंगे तो वो एक स्तर पे ही आके रुकेगा, ना उससे ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आप उसे बढ़ाते जाएंगे तो भी वो लेवल सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लेवल कम है कहीं पे पानी ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब है यार अलग सर बहुत बढ़िया बताते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये है ना कंटेनर, तो इसमें पानी या तो यहाँ तक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे तो पानी यहाँ तक है और इधर का खाली पड़ा है। ये अपना लेवल हमेशा एक जैसा लगेंगे रखेंगे, तो लिक्विड कीप्स देयर लेवल्स। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, करके देख लो, आजमा के देख लो। या फिर द सन rises in the east, अब हम सब जानते हैं ना तो सूरज निकलता है ना ही वो छुपता है, बस only the earth rotates, neither the sun rises nor it sets, only the earth rotates, पर ये एक जनरल ट्रूथ है, कहने वाली बात है तो अंग्रेजी में सही मान ली जाती है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के। ये दूसरा इस्तेमाल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आइए तीसरा इस्तेमाल देखते हैं, ये जो इमीडिएट एक्शंस होते हैं ना मेरे बच्चे, ये इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंपैरेटिव का क्या मतलब होता है, जिसमें सब्जेक्ट यू होता है, आप मेंशन करेंगे तब भी सब्जेक्ट यू होगा, आप मेंशन नहीं करेंगे तभी भी सब्जेक्ट यू ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां आप किसी को कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट देते हैं, किसी काम के लिए कहते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं ऐसा होता है ना, घर में से कोई मार्केट जा रहा है, तुम्हें कोई सामान मंगाना है, तुम उससे ऐसे कह देते हो रिमेंबर टू बाय अ पैक ऑफ पेंसिल्स, है ना भैया, एक मतलब रिमेंबर का क्या मतलब है, यू रिमेंबर, आप याद रख लिए क्या, टू बाय अ पैक ऑफ पेंसिल्स, कि एक पैकेट लेके आना पेंसिल्स का इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, अगर मार्केट जा रहे हो। इसके अलावा ये जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें तुम कहते हो क्या, शट अप, सिट डाउन, कम हियर, रन फास्ट, ये सारे के सारे इंपेरेटिव होते हैं, क्योंकि आप इसमें मेंशन करें या ना करें सब्जेक्ट तो यू ही है, तो आप किसी को किसी ना किसी चीज के लिए कह रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं तुमसे कहा प्लीज कम हियर, तो ये भी क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। रन फास्ट, सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना, गो देयर, वर्क हार्ड, सारे के सारे इंपेरेटिव होते हैं और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। कैसे, अरे सब्जेक्ट यू है, रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट यू है, कम फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट यू है, रन फर्स्ट फॉर्म, है ना, सब्जेक्ट यू है और शट फर्स्ट फॉर्म, तो इन सब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाते हैं आखिरी बात पे, जो है हमारा प्रेजेंट नरेटिव। अब ये प्रेजेंट नरेटिव क्या होता है भैया, प्रेजेंट नरेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो अभी हुआ और आपने उसे नरेट कर दिया। ऐसा आपको न्यूज़पेपर में या इंग्लिश कमेंट्री में देखने को मिल जाता है अक्सर। जैसे मैंने कहा हियर कम्स द कैप्टन,
लो भाई कैप्टन साहब आ गए। ठीक है, तो आपने क्या कहा, हियर कम्स दी कैप्टन, ये आप कब कहते हैं, पहला विकेट गिरा, कोहली बैटिंग करने आया, जब कोहली कैप्टन थे तो क्या, हियर कम्स द कैप्टन, लो भाई कैप्टन साहब आ गए, है ना, लाइट आ गई, बच्चा गिर गया, आग लग गई, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट नैरेटिव के हैं, प्रेजेंट नैरेटिव के हैं। जैसे आपने देखा एक सेंटेंस और कमेंट्री में आपने देखा होगा, ये तातीते नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, हमेशा तातीते नहीं होता। जैसे रोमन रीन्स हिट हिम हार्ट का क्या मतलब है, रोमन रीन्स हिट्स हिम हार्ट क्या मतलब हुआ, ये मारा रोमन रीन्स ने बड़ी जोर से, है ना, ये मतलब नहीं कि वो मारता है, तातीते नहीं है, ये मतलब नहीं कैप्टन आता है, तातीते नहीं आया वाला सेंस देता है। जैसे ये वाला सेंटेंस आपने देखा होगा इंग्लिश कमेंट्री में, ये जरूर देखा होगा, धोनी के टाइम में मैंने बहुत क्रिकेट देखा है इसलिए मुझे धोनी ही याद है। अब देखिए सेंटेंस है ये, धोनी गोस फॉर द बिग वन, तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे कुछ का कुछ बन जाएगा, आपको इसलिए ट्रांसलेट नहीं करना है इसे, आपको इसका मीनिंग ऐसे समझना है ना, इट इज द सेंस दैट ट्रांसलेट्स, इट इज नॉट द वर्ड दैट ट्रांसलेट्स। तो कभी वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता, हमेशा सेंस ट्रांसलेट होता है। सो धोनी गोस फॉर द बिग वन क्या मतलब हुआ, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट, ये मतलब है, ये मतलब नहीं है। अगर आप ट्रांसलेट करोगे कुछ का कुछ बन जाएगा, धोनी गोस मतलब धोनी जाता है लेने बड़ा वाला, कुछ का कुछ बोल दोगे तुम, है ना, तो माही भाई को गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा ट्रॉफीज उस बंदे ने जिताई है हमें, ना वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर। तो याद रखिए आप क्या बोलेंगे, धोनी गोस फॉर द बिग वन, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट, ये वाला सेंस ये देगा। और है सारे के सारे इंडेफिनेट, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, आगे बात समझ में। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट उठाया, इंडेफिनेट को इंडेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे यूसेजेस होते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, पहला मैंने आपको बताया हैबिचुअल एक्शन, दूसरा बताया यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट या फिर कोई जनरल ट्रूथ बताता है। इसके बाद मैंने आपको बताया इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी आप हमेशा इन्हीं से बनाएंगे, और प्रेजेंट में जो भी कुछ नरेट करेंगे वो भी इसी से करेंगे, प्रेजेंट की अगर कोई बात बता रहे हैं तो इसी से बताएंगे। इसके बाद आ जाता है भाई अगला, फ्यूचर कैसे बताता है, तो तीन तरीके से फ्यूचर बताता है, जब ये कंडीशनल क्लॉज में यूज होता है, कंडीशनल क्लॉज में यूज होता है, ये एक नई चीज है अभी आप जानेंगे, या फिर अगर कुछ फिक्स्ड या फिर रोटेशनल रोटेशनल एक्शन होता है तभी भी ये यूज होता है, या फिर सबसे ज्यादा मजेदार बात जो है, एकदम तनाती हुई बात जो है वो ये है कि ये कंडीशनल क्लॉज, फिक्स या रोटेशनल एक्शन एंड एक और था यार, ऑफिशियल प्लान्स, ऑफिशियल प्लान्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में यूज होगा बिना शेल और विल के, और बताएगा क्या बताए, मतलब फ्यूचर बताएगा बिना शेल और विल के। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, इफ यू विल हेल्प मी आई कैन पे यू, सेंटेंस का मतलब होगा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें पे करूंगा। अच्छे को लगता है भाई साहब बिल्कुल सही सेंटेंस, बट ये सेंटेंस गलत हो गया। गलती क्या हुई है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे ये विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज में नो मॉडल, कंडीशनल क्लॉज में मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये आप बस विल हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते हो या करोगे, ठीक है, आई कैन पे यू, तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो देखो यू हो गया सब्जेक्ट और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो बताया नहीं बताया इसने क्या, इंडेफिनेट। अब जरूरी नहीं है, कंडीशनल क्लॉज की पहचान क्या है कि इसमें कंडीशनल वर्ड दिखेगा, इफ हो गया, व्हेन हो गया, सपोज हो गया, ऐसा कोई ना कोई कंडीशनल वर्ड जरूर मिलेगा, तो तुम समझ जाना ये कंडीशनल क्लॉज है। अगला सेंटेंस देखो, They will not agree if I
डू नॉट रिटर्न देयर मनी, क्या मतलब हुआ? वो अग्री नहीं करेंगे अगर मैंने उनका पैसा वापस नहीं दिया, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। दे विल नॉट अग्री बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में विल या शैल का इस्तेमाल नहीं हुआ, कंडीशनल तो यहां से इफ से शुरू हुआ ना, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आपने बिना विल और शैल के सेंटेंस बना देंगे ना, जैसे कि शी मे गो इफ शी विल हैव अ कार, तो क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि वो जाएगी, कब जाएगी? अगर उसके पास कार होगी। होगी नहीं भाई, अगर तो कंडीशनल क्लॉज आ गया, इफ आ गया, सपोज आ गया, तो आप विल हटा देंगे बस, और विल हट गया तो ये हैव भी नहीं रहेगा, हैज हो जाएगा, इफ शी हैज अ कार, सिंपल। अरे आसान है ना, बस मैंने क्या बताया कि कंडीशनल क्लॉज में जब भी फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, विल और शैल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे ही आपने फिक्स्ड और रोटेशनल एक्शन में करेंगे, जैसे मैंने कहा फिक्स्ड एक्शंस में द एग्जीबिशन एंड्स नेक्स्ट वीक, क्या मतलब हुआ कि जो प्रदर्शनी है वो अगले महीने खत्म, अगले हफ्ते खत्म होगी, तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड एक्शन है ना, पहले ही डिसाइड हो गया कि भाई इस दिन होगी, या फिर रोटेशनल जैसे मूवी रिलीज होती है, द मूवी रिलीजेस दिस फ्राइडे, मूवी जो है इस फ्राइडे रिलीज होगी, तो हमें पता है मूवी यूजुअली फ्राइडे में ही रिलीज होती है, तो ये भी क्या हो गया, रोटेशनल एक्शन हो गया, चलता आ रहा है, द मूवी रिलीजेस दिस फ्राइडे। इन द सेम मैनर आपने जैसे देखा होगा ट्रेन का किसी आना या जाना, जैसे मैंने कहा The next train departs at 9 PM. अगली ट्रेन जो जाएगी वो कितने बजे जाएगी, 9 बजे जाएगी, या जाती है, दोनों सेंस दे रहा है, लेकिन बिना विल शैल के दे रहा है। भैया 9 PM फ्यूचर हो गया ना, दिस फ्राइडे फ्यूचर हो गया ना, नेक्स्ट वीक फ्यूचर हो गया ना, तो ये तीनों फ्यूचर है ना, तो सीधी सी बात है ये सेंटेंस भी फ्यूचर बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनके साथ विल और शैल का इस्तेमाल किया तो ये गलत हो जाएंगे। तो ये वो फ्यूचर है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाना है। इसकी पहचान क्या है, ये या तो रोटेशनल है या फिर फिक्स्ड है। एक और पहचान है ऑफिशियल प्लान वाले फ्यूचर भी। ऑफिशियल प्लान का मतलब है चीफ मिनिस्टर कहीं किसी से मिल रहा है, प्रधानमंत्री की कोई मीटिंग है, कोई पार्लियामेंट बिल पास कर रहा है, जैसे द पार्लियामेंट passes the bill tomorrow. क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट कब बिल पास करेगा, कल बिल पास कर रहा है, तो फ्यूचर हो गया, लेकिन विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। या फिर आपने कहा तो मैंने कहा द गवर्नमेंट रिलीजेस द लास्ट डे, गवर्नमेंट रिलीज करेगी आखिरी दिन सबमिशन का इस हफ्ते, इस हफ्ते से गवर्नमेंट बता देगी कि आखिरी दिन सबमिशन का कौन सा है, मतलब किसी भी चीज को सबमिट करना है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, व्हाटएवर, ठीक है। तो एक बार क्विक रिविजन 10 सेकंड में कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, एक मिनट में ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया कि भाई टेंसेस दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, टेंसेस सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम नहीं बताता, टेंसेस आपको टाइम के साथ साथ नेचर ऑफ एक्शन भी बताता है, टेंसेस आपको टाइम के साथ साथ नेचर ऑफ एक्शन भी बताता है, ठीक है। जैसे यहां पे उसने आपको बताया ये तो हो गया टाइम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ये नेचर ऑफ एक्शन हो गया। तो अब मैंने आपको एक एक करके सारे टेंस पढ़ाने हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने सबसे पहले उठाया, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कहीं पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, यही चीज आपको हर जगह मिलेगी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना, इसमें सब्जेक्ट यू है, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब जगह यही मिलेगा। फिर मैंने बताया कि कहाँ कहाँ यूज होंगे, कहाँ कहाँ यूज करना है, तो अगर हैबिचुअल एक्शन है तो भी यूज करना है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी यूज करना है, इमीडिएट एक्शन है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो भी यूज करना है,
प्रेजेंट में कोई बात कह रहे हो, प्रेजेंट में कोई बात नरेट कर रहे हो तो भी यूज कर रहा है, और ये फ्यूचर में भी आप यूज कर सकते हैं बिना विल और शैल के, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका इंडेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है बेहतरीन तनतनाता हुआ समझ में आ गया होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब हम चले जाते हैं किस पे, पास्ट इंडेफिनिट पे। किस पे मेरे चीते, पास्ट इंडेफिनिट। अब आप जानते हैं भाई पास्ट इंडेफिनिट, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लगा के फर्स्ट फॉर्म थी, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट लगा के सेकंड फॉर्म, बस। और याद रखिए मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल में भी बताया है, दिस इज द ओनली टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज द ओनली टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और कहीं भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसके अब एप्लीकेशन देखते हैं कहां कहां यूज होता है, क्या क्या इसकी पहचान है। तो ये यूज होता है भाई मेरे तीन तरीके से। पहली चीज तो ये बताता है हिस्टोरिकल, दूसरी चीज जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है प्रेजेंट नरेटिव, उस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट बताता है पास्ट नरेटिव, या फिर पास्ट के कुछ भी इवेंट्स, स्टोरीज, पास्ट की जितनी कहानियां होंगी। और इसकी एक पहचान और होती है कि ये यूज होता है इसमें पास्ट टाइम वर्ड। तो ये तीन एप्लीकेशन है, अब आप इसे गहराई से मेरे साथ जानेंगे। जस्ट अ सेकेंड, तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जैसे भाई मैंने कहा कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब ध्यान से सुनिए, चाहे एक मिनट पुरानी बात हो या 1,000, 10,000, 20,000 साल पुरानी बात हो, कितनी भी पुरानी बात, आप सेंटेंस को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, चाहे एक मिनट पुरानी बात हो या 1,000 साल पुरानी। फॉर्मेट वही रहेगा, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे इंडिया, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, 60-70 साल हो गए, ना तभी भी हम क्या कहते हैं, इंडिया गॉट फ्रीडम, ना कि इंडिया हैड गॉट फ्रीडम, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, इंडिया गेट्स फ्रीडम, कुछ नहीं यूज करते हम, इंडिया गॉट फ्रीडम। तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेंटेंस तन-तन आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने कहा मोहम्मद गौहरी हैड इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स, मोहम्मद गौहरी ने भारत पे कई बार आक्रमण किया है ना, कई किया था। तो जब ये सेंटेंस आता है बच्चों को लगता है हैड इन्वेडेड, इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना, घुसपैठ कर देना, तो सीधी सी बात है ना, बहुत बार किया है, बहुत बार किया है, पास्ट की बात है, हैड क्यों लगा रहे हो, हैड लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में बनाना है, सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म, चाहे कितनी बार भी आक्रमण किया हो, कितनी पुरानी बात, ठीक है, आप सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने कहा ना पास्ट नरेटिव के लिए, मैं कोई भी पास्ट की बात नरेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कल मैं उससे मिला, वो बड़े अच्छे कपड़े पहन के आई थी, ठीक है, नहा के आई थी ऐसा लग रहा था, कोई उसने अच्छा सा परफ्यूम भी लगाया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे मुंह खोला मुझे समझ में आ गया, ओहो ये तो गंवार है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या, ऐसी बहुत सारी कहानियां, चाहे एक मिनट पुरानी हो या 1,000 साल पुरानी हो, सारी ही की सारी पास्ट नैरेटिव में ही यूज होती है। नहीं समझ पाए, स्कूल में तुम कहानियां पढ़ते होगे, देयर वॉज अ मैन, ठीक है, देयर लिव्ड अ किंग, द किंग हैड अ बिग पैलेस, या फिर द किंग हैड फोर वाइफ्स। तो जो भी कहानियां थी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में सारे सेंटेंसेस बनते थे, जैसे शी मेट मी बिफोर लीविंग, जाने से पहले वो मुझसे मिली, कोई भी आपने सेंटेंस बोला कि लड़की का रिश्ता लग गया था तब भी वो तुमसे बातें कर रही थी,
ना, सोच रही थी कर छोड़ो वो सब। तो शी हैड अ फियांसे, उसके फियांसे कौन होता है, मंगेतर फियांसे था उसका। शी हैड अ फियांसे बट शी वॉज इंटरेस्टेड इन मी, तब भी वो मुझ में इंटरेस्टेड थी। तो ये सारी बातें क्या है, पास्ट इंडेफिनेट। तुम सोच रहे हैड कहां से आ गया, भैया हैड सेकंड फॉर्म भी तो होती है, वही तो है ये, है ना। तो ये भी पास्ट इंडेफिनेट है, ये भी पास्ट इंडेफिनेट है। इसकी एक पहचान और होती है कि ये पास्ट टाइम वर्ड दिखाता है। अब पास्ट टाइम वर्ड क्या होता है भाई, पास्ट टाइम वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्ड जो पास्ट के बारे का, जो पास्ट का बोध करा दे, जैसे अगो, जैसे लास्ट वीक, जैसे लास्ट नाइट, जैसे यस्टरडे, या कोई भी पुरानी डेट। तो ये सारे के सारे मेरे बच्चे क्या हैं, ये सारे के सारे पास्ट टाइम वर्ड हैं जो आपको बीते हुए कल का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा आई लव द टाउन यस्टरडे, मैंने कल शहर छोड़ दिया था। शी मेट मी लास्ट इवनिंग, पिछली शाम वो मुझसे मिली थी। तो जहां पे भी आपको पास्ट टाइम वर्ड दिख जाए, अगो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, लास्ट वीक दिख जाए, लास्ट नाइट दिख जाए, कोई सन दिख जाए, तो याद रखिए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में ही बनने वाला है। तो बस कहानी इतनी ही है पास्ट इंडेफिनेट की। कितनी कहानी है कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे। देख लो भाई हर जगह सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म दिखेगी, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, 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 सारी फॉर्म सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म दिखेंगी। तीन में से कोई एक चीज बता रहा होगा, या तो किसी पास्ट टर्म का बोध करा रहा होगा, बताएगा हमेशा ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट के हैं, जिनका अब से कोई मतलब नहीं है, बीता हुआ कल बताता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, फ्यूचर इनडेफिनेट की, तो ये बड़े आसान है भाई। प्रेजेंट इनडेफिनेट में क्या लगाते थे, सब्जेक्ट लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते थे। तो इसमें नई चीज क्या होगी, क्योंकि फ्यूचर में हमें पता है कि हमें विल और शैल का इस्तेमाल करना होता है, तो विल और शैल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बस ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, है ना। और सेंटेंस कैसे यूज होगा इसके अंदर, जैसे आई शैल ज्वाइन दिस ग्रुप, या फिर She will come to meet you. मतलब ये ऐसे sentences बताता है something that is likely to happen in future, कुछ ऐसा जो future में होने वाला है, या फिर they will start a new business. अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अब इसमें दिक्कत ये आती है कि सर कहीं पे शैल लगा रहे हो, कहीं पे विल लगा रहे हो, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे शैल लगा दूं और कहाँ पे विल लगा दूं। ये दुविधा आई ना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे शैल लगा दूं कहाँ पे विल लगा दूं। बड़ा आसान है, देखो भाई याद रखो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आप यूज करेंगे क्या, शैल। आई और वी के साथ हमेशा आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप बात करते हैं अदर्स की, इसकी बात करते हैं अदर्स की, अदर्स में कौन कौन आ जाते हैं, ही, शी, इट, मतलब कोई भी नाउन, आई और वी को छोड़ के जितने भी बचे वो सारे अदर्स में आ जाते हैं। आई रिपीट, शैल और विल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि शैल कहाँ यूज करना है और विल कहाँ यूज करना है। तो जब आई और वी की बात करते हो तो उनके साथ शैल लगा देना, बाकी सबके साथ विल लगा देना। ऐसा कब करोगे, जब ये नॉर्मल फ्यूचर के सेंटेंस होंगे, नॉर्मल फ्यूचर के सेंटेंस होंगे, किसके, नॉर्मल फ्यूचर के सेंटेंस होंगे, तो आप ऐसा करोगे आई और वी के साथ शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ विल लगाओगे। लेकिन मेरे बच्चा अगर कहानी बदल जाए और आपसे पूछा जाए पोएट, क्या पूछा जाए, पी ओ ई टी, पोएट पूछा जाए, पोएट का मतलब जानते हो, कवि नहीं, कवि नहीं, ये कवि वाला नहीं है। पी का मतलब है प्रॉमिस, ओ का मतलब है ओथ, ई का मतलब है एम्फेसाइजेशन,
और टी का मतलब है थ्रेट, कहने का मतलब है कि ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें तुम कोई वादा कर रहे हो, ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें तुम कोई शपथ ले रहे हो, ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें तुम जोर दे के कोई बात कह रहे हो, या ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें तुम धमका रहे हो। मतलब वादा कर रहे हो, ओथ का मतलब होता है शपथ ले रहे हो, धमका रहे हो या जोर दे के स्ट्रेस दे के कह रहे हो, मतलब कोई इमोशन इन्वॉल्व है, फ्यूचर के साथ इमोशन इन्वॉल्व है। तो याद रखना भैया, आई और वी के साथ अलग कहानी होगी और अदर्स के साथ अलग। आई और वी के साथ आज आप यूज करेंगे क्या, विल, और इनके साथ यूज करेंगे क्या, शैल। मतलब ये उल्टा हो जाएगा, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आई और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे जब नॉर्मल फ्यूचर की बात होगी, बाकी सबके साथ विल करेंगे, जैसे हमने यहां पे किया, आई शैल ज्वाइन दिस ग्रुप। अरे तो अग्नि को साक्षी मान के थोड़ी कह दी ये बात, कसम खा के थोड़ी कह दी ये बात, ये तो सिर्फ एक फ्यूचर की नॉर्मल सी बात है। या मैंने कहा शी विल कम टू मीट यू, वो तुमसे मिलने आएगी, अगर मैंने तुमसे ये बात कही वो तुमसे मिलने आएगी, तो ये भाई अग्नि को साक्षी मान के थोड़ी कह दी, कसम थोड़ी खा ली, वादा थोड़ी कर लिया, है ना, जोर थोड़ी दे दिया। ऐसे ही दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो आपने देखा दे और शी कहां से थे, अदर्स में से थे, इसलिए विल लगा। ठीक है, आई कहां में से था, इस वाले ग्रुप में से था, इसलिए शैल लगा, नॉर्मल फ्यूचर की बात थी। अब बात करते हैं जब तुम प्रॉमिस हो तो एम्फेसाइजेशन या थ्रेट देते हो, तो आप कैसे यूज करते हैं, तुम्हें याद नहीं है तुम क्या कहते हो, यही तो बोलते हो। जब तुम्हारी लड़ाई होती है किसी से क्या कहते हो, आई विल किल यू। तो जो धर्मेंद्र कहता है ना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो वो धमकी होती है, धमकी थ्रेट होता है, और उस सेंटेंस को आप विल से बनाएंगे। ठीक है, हे डॉग आई विल सक योर ब्लड, है ना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, हे डॉग एक्सक्लेमेशन मार्क, आई विल सक योर ब्लड, मैं तेरा खून चूस जाऊंगा या पी जाऊंगा, व्हाटएवर, है ना। तो आई विल क्यों कहा तुमने, तुम थ्रेट दे रहे हो, ये नहीं कह सकते आई शैल के लिए, उसका मतलब होगा फ्यूचर में मैं कभी तुम्हें मार दूंगा, इसकी भावना ये वाली आएगी, ओ परेशान मत करो मेरे साथ, ऐसे नहीं करो, फ्यूचर में मैं कभी तुम्हें मार दूंगा, ऐसे नहीं कह सकते, तो तुम्हें विल कहना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बाइबल में क्या लिखा है, गॉड शैल नेवर फेल, भगवान कभी विफल नहीं होता, क्योंकि वो एनडीए सीडीएस का एग्जाम भी नहीं देता। तो गॉड शैल नेवर फेल का क्या मतलब है कि आप एम्फेसाइज देके बता रहे हैं, एम्फेसाइज करके बता रहे हैं भाई भगवान कभी विफल नहीं होता, भगवान का हाथ थाम लो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तो गॉड शैल नेवर फेल, सो या फिर गॉड आई, जब आप शपथ लेंगे तो क्या कहेंगे, यू शैल Be loyal to your nation, क्या मतलब हुआ कि तुम अपने देश के प्रति ईमानदार रहोगे, you shall be loyal to your nation। तो ये क्या कहा आपने, यू के साथ आपने शैल लगाया, मतलब आप कसम दिलाई जा रही है। तो जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, एम्फेसाइजेशन कर रहे हैं, या फिर कोई शपथ ले रहे हैं, तो आप आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। ये पोएट रूल है, इसको याद रखिएगा। तीन एग्जाम्पल मैंने इसके यहाँ दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। इस पेज पे क्या पढ़ाया है, एक शॉर्ट में रिविजन कराता हूँ। मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक ही तरीके से यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाकर। साथ ही साथ ये आपको बताता है बीता हुआ कल, चाहे वो एक मिनट पुराना हो, एक हजार साल पुराना हो। तीन चीजों से आप इसे याद रख सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता है, प्रेजेंट के नरेटिव जैसे वो बताता था, तो ये पास्ट के नरेटिव स्टोरीज पास्ट की सब यही बताता है। साथ ही साथ अगर कोई पास्ट टाइम वर्ड दिया हुआ है तो भी सेंटेंस इसी से बनता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कैसे यूज होगा। मैंने बताया कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें बस आपको विल शैल का खेल देखना है। ये ऐसे सेंटेंसेस बताते हैं जो फ्यूचर में लाइकली टू हैपन है, जो फ्यूचर में होंगे। तो आई और वी के साथ आप शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं जब नॉर्मल बात हो रही होती है। लेकिन अगर आप उस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, मतलब कोई बात जोर देके की जा रही है, तो ये बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। आई और बी के साथ आ जाता है क्या, विल, और बाकी सबके साथ आ जाता है शैल। कहानी खत्म हो गई। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का सफर। अब हम जाने वाले हैं किस पे, परफेक्ट टेंस। तो पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। भाई देखो टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा, 35-40 क्वेश्चन भी कराने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट भी समझाना है। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, है ना, हंसी मजाक आज थोड़ा सा कम किया है, कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट।
बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, थर्ड फॉर्म जरूर लगाएंगे तभी ये परफेक्ट होगा। परफेक्ट का मतलब है एक ऐसा काम जो हो गया है पर उसका असर अभी भी आपके जीवन पर है, कोई ऐसा काम जो कि हो गया है पर उसका असर अभी भी आपके जीवन पर है, समझे मेरी बात। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं ग्रेजुएट हो गया हूं तो मैं अब हमेशा ग्रेजुएट रहूंगा, हो तो गया हूं पर उसका असर मेरे जीवन पे अभी भी है। जैसे लड़कियों के साथ अक्सर होता है, रिश्ते आते रहते हैं, कोई ना कोई आस पड़ोस वाला, कोई ना कोई एक रिश्तेदार है हर कुछ दिन में आता है और आपसे कहता है बेटी बहुत अच्छा रिश्ता है, पढ़ाई लिखाई का क्या है, शादी के बाद भी कर सकती है, शादी के बाद पढ़ लेना, अरे कोई रोका थोड़ी है तुम्हें पढ़ाई लिखाई से, शादी के बाद पढ़ाई कर लेना, बहुत अच्छा लड़का है देखो तो सही, खाते पीते घर का है, हलवाई है, शानदार जलेबी तलता है, बेहतरीन इमरती बनाता है, बाजार के बीचों बीच दुकान है बेटा, राज करोगी। अब लड़की ने ना कई बार ये बात सुन रखी है, आज ये फिर रिश्ता लेकर आया और इस बार लड़की ऑफिसर बन चुकी है, बस गलती ये हो गई, इसको पता नहीं। जब ये रिश्ता लेकर आया ना तो लड़की ने क्या बोला, लड़की ने बोला सुनो अंकल आई हैव क्वालिफाइड CDS, मैंने CDS क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है मैं जा रही हूं देश की, मैं जा रही हूं देश को सर्व करने, माइंड योर, ससुराल वालों से कहना कि अपने लिए दूसरी बहू ढूंढ ले, है ना। सो आई हैव क्वालिफाइड CDS, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम देखो अंकल, लग जाओगे नहीं तो फौजी हो गई, समझ रहे हो। आई हैव क्वालिफाइड CDS, तो क्या मतलब हुआ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के कर लिया है, चाहे आपने 10 दिन पहले किया, चाहे आपका रिजल्ट 3 महीने पहले आया, बट उसका असर आपके जीवन पे अभी भी है ना, नहीं समझे। एक सेंटेंस और देखो, एक ये तुम्हारा दोस्त है, ये झूठ बोलता है हमेशा, ठीक है, और इसको मौका चाहिए झूठ बोलने का, आज बहुत दिन से तुम्हें ये दिखा नहीं है, इसका नाम है गौरव, बहुत दिन बाद तुम्हें ये दिखा, तुमने कहा हाय गौरव कैसा है, कहाँ था यार इतने दिन से दिखा नहीं। ये कहता है कहीं नहीं यार, ये इंग्लैंड तक गया। अरे क्या बात है यार, इंग्लैंड हो आया, कैसा लगा इंग्लैंड। अरे यार इंग्लैंड जो है ना एकदम बेकार जगह है, इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, जितनी ज़्यादा गंदगी होती है, कहीं पे ग्रीनरी मुझे देखने को नहीं मिली बहुत ज़्यादा, और गंदगी ही गंदगी, रोड पे गाय भैंस घूमते रहते हैं, ठीक है, और जो है बदबू आती है जगह जगह पे, बहुत ही बेकार जगह है। जानते तुमने क्या कहा, तुमने अपना हाथ करा ढीला, एक लगाया इसके कान के नीचे और कहा आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं, आई नो द प्लेस वेरी वेल, तुमने कहा मैं इंग्लैंड जा चुका हूं और मैंने वो जगह अच्छे से देखी है, मुझे मत बता कि वहां पे गर्मी पड़ती है और गंदगी होती है, ठीक है। सो आई हैव विजिटेड इंग्लैंड एंड आई नो द प्लेस वेरी वेल, तो क्या मतलब हुआ, जा चुका हूं, काम हो गया है पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पर है। जैसे क्या होता है, जब तुम फीस सबमिट कर देते हो तो तुम्हें आईडी कार्ड मिल जाता है कॉलेज से, या रिसीट मिल जाती है, तो तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो शी हैज सबमिटेड द फीस, उसने फीस सबमिट कर दी है, बट अब आगे की बात क्या कह रहे हो, बट शी hasn't मतलब has not got the ID card, मतलब yet, पर उसे अभी तक आईडी कार्ड नहीं मिला है। क्या मतलब है कि उसने फीस तो जमा कर दी है पर अभी तक आईडी कार्ड नहीं मिला है, यूजुअली मिल जाना चाहिए था ना, पर हो गया है, उसका असर भी तुम्हारे जीवन पे है, फीस जमा कर दी है, मिल जाना चाहिए था पर नहीं मिला है। ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। दूसरी मजेदार बात क्या है कि इसमें देखो मैंने येट लगाया है, जो येट क्या है, येट पास्ट टाइम वर्ड नहीं है, इसमें आप यूज करेंगे, याद रखिए, यूज प्रेजेंट टाइम वर्ड,
आप इसमें हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टाइम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टाइम वर्ड, पास्ट टाइम वर्ड इसमें कभी यूज नहीं करना। प्रेजेंट टाइम वर्ड जो प्रेजेंट का बोध कराते हैं, जैसे कि येट, जैसे कि अप टू नाउ, जैसे कि टिल नाउ, जैसे कि रिसेंटली, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम वर्ड होते हैं। रिसेंटली, टिल नाउ, अप टू नाउ, ठीक है, येट, अभी तक, जो भी अभी तक वाला सेंस देंगे वो क्या हो जाएगा, अभी तक वाला जो भी सेंस देंगे प्रेजेंट टाइम वर्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं सेंटेंस, एक दो प्रेजेंट टाइम वर्ड से भी देखते हैं। जैसे शी हैज ईटन फाइव चपातीस अप टू नाउ, क्या मतलब हुआ कि वो अब तक पांच रोटियां खा चुकी है। भूखी मोटी लड़की है, कितनी रोटियां खा चुकी है, पांच रोटियां खा चुकी है अब तक। कब तक, अब तक, प्रेजेंट टाइम वर्ड है। इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते, शी एट फाइव चपातीज अप टू नाउ नहीं कह सकते हो, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टाइम वर्ड के साथ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टाइम वर्ड के साथ। जैसे आई हैव डिपॉजिटेड थ्री थाउजेंड यस्टरडे, तो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आई हैव डिपॉजिटेड 3000 यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यस्टरडे पास्ट टाइम वर्ड यूज कर रहे हो, टेंस लगा रहे हो प्रेजेंट का, तो भाई पास्ट टाइम वर्ड के साथ तो पास्ट का ही टेंस आएगा ना, तो आप इसे हैव डिपॉजिटेड को खोपचे में लेके काट देंगे और इसकी जगह लिखेंगे आई डिपॉजिटेड। और ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है एक ऐसा काम जो हो गया उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है, पास्ट इंडेफिनेट बताता है कोई ऐसा काम जो बस हो गया था उसका असर बसर भूल जाओ। ठीक है, सो यहां पे आई डिपॉजिटेड 3000 यस्टरडे, बस आप इसे ऐसे यूज करेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है कि जब आप सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हो तो बन जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, ये एक ऐसा काम है जो हो गया है पर जीवन पे असर दिखना जरूरी है। ऐसे सारे कामों के लिए, ऐसे सारे एक्शंस को दर्शाने के लिए आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट। ये मत सोचिए इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस दिए, 7 8 सेंटेंस आपको समझाने के लिए दिए हैं, बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपका इस पीपीटी में इंतजार कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस के क्वेश्चंस भी तो लगाने हैं। तो पास्ट परफेक्ट ऐसे भी आसान है भाई सर, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज ना लग के अब हैड लग जाएगा, बस सिंगुलर प्लूरल प्लूरल की कहानी भी खत्म हो गई है, क्योंकि सिंगुलर होगा तो भी हेड आता है, प्लूरल होगा तो भी हेड आता है, एट यूनिवर्सल रूल में आप ये बात जान चुके हैं। तो बस आपको सब्जेक्ट के साथ हेड लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब तुम सोचोगे सर ये भी पास्ट है और इंडेफिनेट भी पास्ट था और ये तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर देंगे, तो भाई कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, ये आपको बताता है मेरे बच्चे, क्या बताता है, ये आपको बताता है पास्ट ऑफ द पास्ट, क्या बताता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, समझे मेरी बात, पास्ट ऑफ द पास्ट बताता है आपको, पास्ट का पास्ट बताता है। अब ये क्या बात हुई, कहने का मतलब है आप कोई कहानी सुना रहे हैं जो कल की कहानी है, परसों की कहानी है या कितनी भी पुरानी कहानी है, तो वो तो आप पास्ट इंडेफिनेट में सुनाएंगे, पर उस कहानी में सुनाते सुनाते आपको और भी पास्ट में जाना पड़ जाए तो आप पास्ट ऑफ द पास्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैं उससे मिला, वो रेड कलर की ड्रेस में आई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, आके बैठी, सब पास में चल रहा है, मैंने खाना ऑर्डर किया, उसने खाना खाया, मैंने उसे गिफ्ट्स दिए, उसने एक्सेप्ट कर लिए। जैसे ही मैं अपने दिन की बात कहने वाला, ये सारी बातें पास्ट की हैं, कल की हैं, जैसे कब कहने वाले थे, कल कहने वाले थे, तो जैसे ही मैं अपने दिल की बात कहने वाला, उसने मुझे बताया, क्या बताया, उसने मुझे बताया, क्या बताया, आई ऑलरेडी हैड गॉट
हाँ बॉयफ्रेंड क्या मतलब हुआ कि मेरा पहले से कि उसका एक उस पहले से ही बॉयफ्रेंड था, है ना। तो आई नहीं लिख रहा, मैं शी लिखता हूं और बेहतर समझ में आ जाएगा। क्या बताया उसने तुम्हें? उसने तुम्हें बताया दैट शी ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड, कि उसका एक पहले ही बॉयफ्रेंड था। पहले ही कब? कब? कल जब तुमने उसे गिफ्ट दिया, कल जब तुमने उसे खाना वाना खिलवाया, तो कल जब तुम उसे घुमाने लेके गए, इससे पहले की बात है। तो हो गया ना पास्ट ऑफ द पास्ट, है ना। तो शी हैड ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड कब? व्हेन आई टोल्ड हर माई फीलिंग्स। तो देखो यहां पे दो सेंटेंस हो गए मेरे बच्चा, दो सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस बना पास्ट परफेक्ट में और जो दूसरा सेंटेंस है वो बना पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट का पास्ट किसका पास्ट होता है? पास्ट कौन होता है? पास्ट इंडेफिनेट। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट होता है, समझे? पास्ट के पास्ट का क्या मतलब है? ये पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट होता है। शी ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड व्हेन आई टोल्ड हर माय फीलिंग। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा अब कितनी बार ऐसा होता है कि भैया लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है ना, और लड़की के साथ एक दिक्कत और है, अगर उसने कमाना शुरू कर दिया ना, वो शादी करना चाहती है तो भड़क हो जाती है। ये लड़कियों के हाथ में होता है, अगर उनकी अगर उसने कमाना शुरू किया है तो वो अपनी शादी कुछ दिन तक टाल सकती है। ठीक है, ऐसा हमारे समाज में रहता है कि भाई लड़की कमा रही है, करियर बना रही है, तो घर वालों पे खर्च भी करती है, सबका ध्यान भी रखती है, मैच्योर हो जाती है, सीखती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका, तो घर वाले सोचते हैं चलो ठीक है अभी थोड़ा टाइम दे देते हैं, अच्छा लड़का मिल जाएगा, है ना। और वो अगर चाहे तो वो शादी भी कर सकती है क्योंकि वो कमा रही होती है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया लड़के के साथ, शी हैड गॉट मैरिड, तो क्या कह रहा है? उसकी शादी हो चुकी थी। कब? बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, इससे पहले मैंने कमाना शुरू करता। तो लड़का लगा रहा बस ऐसे फोन के रिचार्ज करते हुए, छोटा छोटा कमा कमा के रिचार्ज कराता रहा। लड़की की भाई नौकरी भी लग गई और शादी भी हो गई, तो बस यही कहानी है सबकी। इसलिए अपने करियर पे ध्यान दीजिए, है ना। कोई ना कोई इनके लिए मेहनत भी कर रहा है, कोई ना कोई इनके लिए जिम भी जा रहा है, कोई ना कोई बॉडी भी बना रहा है और कोशिश भी कर रहा है कि मैं कुछ बन जाऊं, है ना। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें भी पता है किसके लिए कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर पे ध्यान जरूर दीजिए। दिस आई एम सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू माय बॉय स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे बॉयज स्टूडेंट्स हैं उन सबसे कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरी होगी अगर तुम्हारी नौकरी में देर होगी। जितनी ज्यादा देर होगी उतनी ज्यादा बुरी जिंदगी होती जाएगी, है ना। तो लगे रहिएगा, किसी और चीज को प्रायोरिटी नहीं बनाइएगा ना। अब तुम्हारा तो मतलब, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी तो शादी भी ऐसे नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ अगर सुंदर है, तमीज की और पढ़ लिया है, इतना काफी होता है, शादी हो जाती है इंडिया में। लेकिन ये मैं अपने किसी गर्ल स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे क्लास में आने का मतलब है मैं चाहता हूँ तुम इंडिपेंडेंट हो, है ना। ये मैं लड़कियों से कह रहा हूँ, इससे पहले वाली बात मैंने बॉयज से कही थी, ये वाली बात मैं लड़कियों से कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी स्टूडेंट अपनी पति के आगे हाथ फैलाए और उसको बोले कि मुझे ये साड़ी खरीदनी है, उसको बोले कि मुझे नेकलेस लेना है। अरे तुम गिफ्ट कर दो यार, तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसा रहे, ऐसा ना रहे, वो अलग बात है। वो अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए कुछ भी लुटा दे, तुम्हें 9 लाखा दिला दे, है ना, वो उसकी मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत ये होनी चाहिए कि तुम उसके आगे हाथ नहीं फैलाओगी, है ना। बी इंडिपेंडेंट, आई लव इंडिपेंडेंट वुमेन। ठीक है, तो जो औरतें इंडिपेंडेंट होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनकी एक अपनी पहचान होती है और वो कुछ करें अपनी जिंदगी में ना करें तब भी वो वुमेन एम्पावरमेंट कर जाती हैं। सिर्फ हर एक औरत जो मजबूत बनती है ना, वो आने वाली बहुत सारी औरतों को मजबूत बना देती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने करियर से पहले शादी वादी नहीं करना, है ना दोस्त। पहले करियर बनाना, जैसे लड़के नहीं करते ऐसे आपको भी नहीं करनी है। ठीक है, तो शी हैड गॉट मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी, बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग। तो ये हमेशा किसके साथ आता है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ आ रहा है ना, अकेला नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं किसके साथ आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ ये आता है। ठीक है, अकेला नहीं आएगा क्योंकि भाई पास्ट का पास बता रहे हैं, तो कोई पास तो होना चाहिए ना उसका पास बताने के लिए। अब आपके टीचर ने भी आपको एग्जाम्पल ये दिए थे, ये चीजें पढ़ाई थी स्कूल में, याद होगा, ये वही वाला टेंस है, ये याद नहीं है तुम्हें? When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा था,
ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें आपको अक्सर दो एक्शन देखने को मिलते हैं जिसमें से एक ज्यादा पुराना है, तो जो ज्यादा पुराना है वो पास्ट इंडेफिनिट में, ये वाला भी आपने देखा होगा, द पेशेंट हैड डाइड, याद है, बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। अब जरा आप गौर फरमाइए इस पे, इन सारे ही सेंटेंसेस में आपको दो एक्शन दिखेंगे, एक ज्यादा पास्ट का है और एक कम पास्ट का। जो ज्यादा पास्ट वाला है उसे आप पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। देखिए भाई सीधी सी बात है, पहले उसका बॉयफ्रेंड था या पहले तुमने अपनी फीलिंग बताई, उसका पहले ही बॉयफ्रेंड था इसलिए ये बना पास्ट परफेक्ट में। ऐसी इसको देख लीजिए, पहले उसकी शादी हुई या पहले तुमने काम करना शुरू करा, अगर तुमने पहले काम करना शुरू करा होता तो शादी तुमसे ना होती, तो शी हैड गॉट मैरिड, पहले शी हैड गॉट मैरिड, पहले उसकी शादी हुई है ना, और इसलिए ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनाया गया। ऐसे ही व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो पहले ट्रेन गई या पहले तुम स्टेशन पे पहुंचे, अरे अगर पहले स्टेशन पे पहुंच जाते तो ट्रेन के साथ जाते, तो पहले ट्रेन गई और इसलिए ये वाला पोर्शन आपने बनाया पास्ट परफेक्ट में। ऐसी ये वाला देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, तो पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर आया, पहले क्या हुआ, पहले पेशेंट मर गया और इसलिए ये वाला पोर्शन आपने पास्ट परफेक्ट में बनाया और बाकी के पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है भाई। तो एक बार क्विक रिविजन कराता हूं, पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ाया मैंने, ये होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। कभी भी आप कोई बात पास्ट की कर रहे हैं और करते करते आपको और पीछे जाना पड़ जाए तो आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए और बताया दो सेंटेंसेस होंगे, जो ज्यादा पुराना वो पास्ट परफेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये आज का हमारा आखिरी टेंस है और इसके बाद हम करेंगे सीधे क्वेश्चंस, इसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा आज का आखिरी टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बताते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट बताता था हमें कि भाई सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए हैव या हैज और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर में आपको पता है आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, विल का, और किस का इस्तेमाल करते हैं, शैल का, तो बस ये दो चीजें और जोड़ दो इसके अंदर और यही हो गया इसका फॉर्मेट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल थर्ड फॉर्म ऑफ द और हैव लगा के थर्ड फॉर्म, फ्यूचर विल और शैल फ्यूचर और ये परफेक्ट सिंपल। अच्छा भाई अब ये बताता क्या है, ये एक ऐसा काम होता है जो फ्यूचर में हो चुका होगा, जैसे मान लो मेरा मकान बन रहा है, मैं अपना मकान बना रहा हूँ और मुझे बड़ी जरूरत पड़ गई है 2 लाख रुपए की, मैंने अपने फ्रेंड से कहा यार एक 2 लाख रुपए दे दे मैं तुझे 2 महीने बाद दे दूंगा, इसने कहा 2 महीने बाद यार एक काम कर 2 महीने बाद मुझसे यार तू चाहे 4 लाख ले ले पर अभी तो मेरे पास नहीं है, तुमने कहा कि मेरा घर तो तब तक बन चुका होगा, कोई ऐसा काम जो स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है फ्यूचर की तब तक हो चुका होगा, जैसे मैं कहूँ हाँ तो मैंने तुम्हारे मतलब वाले एग्जांपल से एकदम समझ में आ जाएगा, जैसे मान लो तुमने हाँ ये लड़की तुमसे बड़ा प्यार करती है, तुमसे कह रही है मुझसे शादी कर ले, तुमसे क्या कह रही है मुझसे शादी कर ले, तुम कह रहे हो शादी कर लूँ ये कैसे कर लूँ, अभी तो मैं कमाता वमाता भी नहीं हूँ, मेरी बात सुन तो ध्यान से, शादी करूंगा मैं तुझसे 2025 में, ठीक है नौकरी लगने दे थोड़ा पैसा कमाने दे, जानते हो क्या कहती 2025 22 चल रहा है 23 24 दो साल बाद 25, तो लड़की ने तुमसे कहा आई शैल हैव बीन मैरिड बाय देन, है ना, बाय देन का मतलब है क्या, जब तक तू कह रहा है ना शादी करने के लिए तब तक तो मेरी शादी हो चुकी होगी, तू मामा बन चुका होगा, आई शैल हैव बीन मैरिड, मेरी शादी की जा चुकी होगी, समझ रहे हो, तो सब्जेक्ट शैल और हैव बीन हैव और ये थर्ड फॉर्म, तो कहने का क्या मतलब है कि मेरी शादी की जा चुकी होगी, तो ऐसा मत कर थोड़ा जल्दी कमा ले मेहनत कर ले इसी साल निकाल ले सीडीएस, है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, शी विल हैव बिकम ऑफिसर बाय नेक्स्ट ईयर, बाय लगा के कोई आप टाइम इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ
कि शी विल हैव बिकम एन ऑफिसर, वो एक ऑफिसर बन चुकी होगी, अभी तो नहीं बनी है पर अगले साल तक बन चुकी होगी। मान लीजिए कि उसका SSB भी क्लियर हो गया है और मतलब बस समझ लीजिए उसका ज्वाइनिंग लेटर आना है ना, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि शी विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो एक ऑफिसर बन चुकी होगी। या फिर आए I shall have shifted to UK by 2024. So, मैं क्या कह रहा हूं, I shall have shifted. Passive में बनेगा, I shall have been I shall have moved to UK by 2024. तो मैंने क्या कहा, UK का मतलब है उत्तराखंड, है ना, यूनाइटेड किंगडम नहीं कह रहा हूँ। तो आई शेल हैव मूव टू यूके बाय 2024 तक मैं उत्तराखंड मूव कर चुका हूंगा, मतलब जा चुका हूंगा, शिफ्ट हो चुका हूँगा। ठीक है, तो एक ऐसा काम जो कोई फ्यूचर में कभी हो चुका होगा, तो बड़ा आसान है इनडेफिनेट। ये परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो काम हो गया है, असर जीवन पे है। पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट है, हो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका था, पास्ट ऑफ द पास्ट। और फ्यूचर परफेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे भाई मान लो हाँ ड्यू डेट निकल चुकी होगी किसी चीज की, तुम्हें 5,000 रुपए की बड़ी जरूरत है, तुम्हें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम देनी है। ठीक है, तुम अपने एक फ्रेंड से मांग रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है 2 हफ्ते बाद दूंगा, तुमने कहा भैया ड्यू डेट निकल चुकी होगी, है ना, पहले दे दे ना, तो तुमने कहा आई shall have missed the due date by then. तुम कह रहे हो कि भाई by then या जो जो भी तुम डेट की बात कर रहे हो वो by के साथ तुम इसमें बता सकते हो। तुम कह रहे हो कि तब तक ड्यू डेट निकल चुकी होगी और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होगी। तो एक बार फिर से बताता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट मैंने क्या बताया, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल दिए, इसमें से क्वेश्चन कम ही आता है ना, यूजुअली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव, उस तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन हर तरह के लेके आया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार 2 मिनट में भड़ाक से क्विक रिवीजन मार के, और भैया फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस पे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि टेंस क्या होता है। टेंस बताता है 2 चीजें, एक तो बताता है टाइम और दूसरा नेचर ऑफ एक्शन। टेंस कई तरह के होते हैं, मतलब कई तरह के नेचर ऑफ एक्शन बताते हैं, जिसमें से आज हमने इंडेफिनिट और परफेक्ट पढ़ लिए हैं। इंडेफिनिट में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे यूजेस बताए और जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जो क्लास में शुरू से हैं उनकी आत्मा तृप्त हो गई होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया इंडेफिनिट और इंडेफिनिट के सारे यूसेजेस यहाँ पे आपको बताए, कई बार बता चुका हूँ, जो क्लास में होंगे शुरू से उनकी आत्मा तृप्त हो चुकी होगी। इसी तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा और मैंने आपको विल और शैल का यूज भी बहुत गहराई से समझाया। ये भी बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल किस लिए होता है, जो क्लास में शुरू से रहे होंगे उनको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो पास्ट परफेक्ट है, फिर हम आ गए परफेक्ट टेंस पे। हमने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और बताया एक ऐसा काम जो हो गया है पर उसका असर अभी भी आपके जीवन पे है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये रहे उसके एग्जांपल्स, और ये भी बताया कि इसमें प्रेजेंट टाइम वर्ड का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि पास्ट परफेक्ट बताता है पास्ट ऑफ द पास्ट, बीते हुए कल का कल बताता है ना, बीते हुए कल का कल बताता है वो। और मैंने आपको बताया कि इसके साथ हमेशा एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। ये भी बताया कि इसमें किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, हमेशा 2 सेंटेंस होंगे, जो ज्यादा पुराना होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। फिर मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट भी बताया, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करें। तो आइए अब चलते हैं फटाफट अपने अगले सफर पे, क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए भाई, भर भर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आज आपके पास 50, और आपको मुझे अपना स्कोर भी बताना है और ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी। अगर अभी भी आपको आज के कंटेंट में दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है या खाज है, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस करते करते ये सब मिट जाएगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चंस का सफर, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो गाइज गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।
जितने भी क्वेश्चंस ग्रामर के हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूं वो 30 क्वेश्चंस हैं, और मान के चलिए 30 में से जो आपके 90% क्वेश्चंस हैं, लगभग एटलीस्ट 27 क्वेश्चंस वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो मैंने आज पढ़ाए हैं। कुछ अलग से क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं 8 यूनिवर्सल रूल के इधर उधर से, है ना, आपकी पुरानी नॉलेज भी चेक करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। सारे क्वेश्चन मिला के 50 हैं, 20 क्वेश्चंस जो मैंने इसमें डाले हैं ये वोकैबुलरी के हैं। आपको वोकैबुलरी एंटोनिम सिनोनिम रहेगी, तो आपको मुझे आउट ऑफ 50 स्कोर बताना है बेसिकली, नहीं आउट ऑफ 30, 50 नहीं आउट ऑफ 30 आप स्कोर बताएंगे आउट ऑफ 30, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए वोकैब तो आप लर्न कर ही रहे हैं, मुझे ये देखना है कि आप टेंसेस समझ आए या नहीं आए। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन को करने के लिए बस 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। कह रहा है लाफ्टर एंड प्ले आर द कीज, कीज होना चाहिए ना भैया, दो हैं, एक लाफ्टर हंसी, दूसरा खेल, तो दो हो गए ना, दो सब्जेक्ट हो गए, आर लगा है बिल्कुल सही है, तो ये भी तो प्लूरल होना चाहिए। आंसर इज बी, बिल्कुल सही है, आर लगा है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है कि ये क्या है, जनरल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, तो टेंस सही था इसका, किसी ने अगर टेंस चेंज कराया तो मामला उसका गलत हो गया, कीज आंसर था, ट्रिक क्वेश्चन था, तो मैंने स्टार्ट किया है ट्रिक क्वेश्चन से। ट्रिक क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप एरर ढूंढेंगे कहीं और एरर होगा कहीं और बड़ा छोटा सा एरर होगा, बड़ा छोटा सा, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिक क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विंड मूव्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, तो ये क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट बात है कि विंड कब मूव करती है, विंड मूव्स, विंड सिंगुलर, मूव्स सिंगुलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि फर्क होता है एयर प्रेशर में, तो बिल्कुल सही बात है, नो एरर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, बना रहने देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगा के करिए, 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन देखते ही मुझे पॉज कर दीजिएगा। हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव इन द व्हाइट हाउस, कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी है और टेंसेस का भी है, भाई प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव थोड़ी होगा, लिव्स होगा क्योंकि अकेला है। दूसरी बात, ये सेंटेंस है आपका, एक बार फिर से फैक्ट है ये बात, ये वो तो वही रहता है, फैक्ट है, वेरीफाइड बात है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, उसी में बना हुआ है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो बस प्रॉब्लम कहाँ पे, लिव्स होना चाहिए, आंसर भी हो जाए, समझे। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, आप भटाक से बना सकते हैं, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन है, अगर किसी ने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ठीक किया है तो फोर्थ अपने आप उसका ठीक होगा 100%, और अगर किसी ने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ठीक नहीं किया है तो उसके पास मौका है ये क्वेश्चन ठीक करने का। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, कंटेन्स क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी, बॉडी है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा लेगी, सिंगुलर, आंसर हो जाएगा बी, कंटेन्स 206 बोन्स, ठीक है। और दूसरी बात, टेंस इसका बिल्कुल सही है, टेंस इसका क्यों सही है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये एक फैक्ट बता रहे हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, जो पढ़ाया था बस वहीं से क्वेश्चन आया है, क्या पढ़ाया था आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि कंडीशनल क्लॉज में आप इफ विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो शी कैन विन इफ यू विल गाइड हर, कंडीशनल क्लॉज यहां से शुरू हो गया, वो जीत सकती है इफ यू गाइड हर, है ना, बिना विल और शैल के फ्यूचर, मैंने आपको ये क्लास में आज पढ़ाया है, आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन प्योर वहीं से था जो आज पढ़ाया था, उम्मीद है आपने बनाया होगा। ये वाला तो बता दोगे, द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव एट 6 PM, अब देखो ये क्या है, ये भी फ्यूचर है, 6 PM क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, या जाती है, रोटेशनल एक्शन, तो फ्यूचर बनेगा बिना विल और शैल के, तो ये क्या हो जाएगा, द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव्स, लीव्स क्यों होगा, क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स होना चाहिए, टेंसेस का क्वेश्चन था, ए आंसर होगा, बड़ा आसान है, क्लियर है, तो लीव नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द वेदर इज गुड, अगर मौसम अच्छा है और क्रॉप्स हमारे जो हमारी जो फसल है विल फ्लरिश, और क्रॉप्स फ्लरिश विल नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक फैक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर मौसम अच्छा होता है तो फसल भी बढ़िया होती है। जैसे मैं कहूं इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, तो भाई मेरे इट विल गलत हो जाएगा, मुझे कहना पड़ेगा बस इट मेल्ट्स, समझे, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर तुम देखो इसमें तो शेल और विल आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल है, इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट मेल्ट्स के वो पिघलेगा ही अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे, ऐसे ही इसमें इफ द वेदर इज गुड में तो शेल और विल आएगा ही नहीं क्योंकि यहां पे इफ लगा हुआ है। आगे कह रहा है और क्रॉप फ्लरिश ना कि विल फ्लरिश, हमारे तो अगर ऐसा होता है तो ये एक फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, लोग जानते हैं इस बात को, तो आप इसमें विल और शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक एग्जांपल मैंने इसको समझाने के लिए ये वाला भी दिया, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, विल को बस काट दो कि बाकी सब सही है। फ्लरिश का मतलब होता है थ्राइव करना, तरक्की करना, बेहतर होना, बढ़िया होना। क्वेश्चन नंबर 8, माल बहुत है आज। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंडिया नेवर इन्वेड एनी कंट्री इन द इन हर लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ कंट्री, कह रहा है कि इंडिया ने कभी किसी मुल्क पे आक्रमण नहीं करा था, भाई हम शांति प्रिय लोग हैं, देव भूमि पे रहते हैं, हमारे पास खाने के लिए इतना सारा खाना है, कहीं भी बोल दो कहीं भी हमारे पास अनाज की कमी तो है नहीं, वो अलग बात है कि हम और बहुत सारी चीजों के शिकार हैं, तो हम क्यों किसी पे हमला करेंगे, शांति प्रिय लोग हैं हम, तो है ना, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ के तो भगवान भी यही कहते हैं कि भैया मत लड़ो मत लड़ो, है ना, महाभारत ने भी ये बताया ना कि महाभारत वो अलग बात है कि वॉर दिखाई पर बताया यही कि लड़ना नहीं है, समझे, इंडिया इसलिए इंडिया नेवर इन्वेडेड, हम शांति प्रिय लोग हैं, इन्वेडेड होना चाहिए, है ना, लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री तो पास्ट का सेंटेंस है, तो कह रहा है पिछले, अब ये इसमें एक चीज हो गई इन हर, ये कह रहा है इन हर लास्ट, तो किया था नहीं है, किया है कह रहा है, आज तक इंडिया ने नहीं कहा, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, इंडिया इसे आप इस पोर्शन को चेंज कर देंगे इस तरीके से, इंडिया हैज नेवर इन्वेडेड, है ना, एनी कंट्री, इंडिया ने किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया है अपने पिछले 10,000 सालों की हिस्ट्री में, तो तब से लेके आज तक नहीं किया है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ए एक ऐसा काम जो हो गया है उसका असर अभी भी आपके जीवन पे, अगर आप इसे सिर्फ ये बताएंगे तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाएगा, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है जो टूट चुका है, अगर आप कह देंगे ना इंडिया इन्वेडेड तो इसका मतलब होगा कि नहीं किया था, मतलब अब शायद कर दिया है, तो आज तक नहीं किया इसलिए सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आई अराइव ओवर एन आवर लेट टू द ऑफिस, अब ये पास्ट की बात है, ये ऐसा तो नहीं कि रोजाना ही आधा घंटा लेट या एक घंटा लेट जाता है, तो कह रहा है मैं पहुंचा था, तो आप पास्ट इंडेफिनिट क्या है, ये पास्ट नरेटिव का सेंटेंस है, पास्ट नरेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो ए आंसर हो जाएगा, आई अराइव्ड ओवर एन आवर लेट, मैं पहुंचा लगभग एक घंटा देरी से अपने ऑफिस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आई बी का, मैं सुबह उठता हूं एंड फ्रेशन अप माइसेल्फ, है और अपने आप को फ्रेश किया तैयार किया और निकल गया ऑफिस के लिए, तो भैया सभी पास्ट का बताना, ये पूरे तू सारे के सारे पास्ट इवेंट्स बता रहा है ना, पास्ट नरेशन है ये, पास्ट नरेटिव है, तो जब पास्ट नरेटिव है तो सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होंगे ना, तो वे कब थोड़ी होगा, वो कब होगा, वो कब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लगेगा, सो आई वो कब, मैं सुबह उठा फ्रेशन्ड अप माई सेल्फ, अपने आप को तैयार किया और ऑफिस के लिए निकल गया, ए इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मुझे उम्मीद है कुछ क्वेश्चन तो तुम सही बना ही रहे होगे।
आई अराइव ओवर एन आवर लेट टू द ऑफिस एंड एवरीवन वाज वर्किंग. ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है पर बिल्कुल वैसा ही है. व्हेन एवरीवन वाज वर्किंग, तो देखो इन दो क्वेश्चन में एक फर्क है, इस वाले में और इसमें. इसमें क्या है ना, इसमें यहाँ पे बंद कर दिया गया है सेंटेंस, आगे सेंटेंस नहीं है, तभी भी आपने यही माना कि भाई अराइव ही करेंगे. ये क्वेश्चन फिर भी आपको कंफ्यूज कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको याद होगा इसमें एक्सप्लेन किया कि ये हैबिचुअल एक्शन तो हो नहीं सकता. तो आपने इसमें सोचा, क्योंकि आई अराइव भी ठीक है और आई अराइव्ड भी ठीक है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जहां पे आपको सोचना पड़ा. इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो बात ही पास्ट की कर रहा है, एक सेंटेंस इसमें एडेड है. तो यहाँ पे आप आंख बंद करके अराइव्ड लगा देंगे. ये दो क्वेश्चन एक तरीके से इस तरीके से इसलिए लाया कि कहीं कहीं आपको एक और सेंटेंस नहीं मिलेगा, पर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का होगा. ठीक है, जैसे वहां पे क्या लिखा था कि एक घंटा लेट, तो रोज तो कोई एक घंटा लेट जा नहीं सकता, हैबिचुअल एक्शन है नहीं, इसलिए आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे दोनों ही केसेस. ठीक है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे, कॉमन सेंस से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें. जब आपने देखा शी लीव, तो आपको ये तो पता चल गया कि नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता भाई. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंगुलर आएगा. तो आंसर ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है. लेकिन कह रहा है फाइव मिनट्स अगो. अगो हम सब जानते हैं कि क्या है, पास्ट टाइम वर्ड है. तो अगर पास्ट टाइम वर्ड है तो आप क्या यूज करेंगे? शी लेफ्ट. अब किसी ने अगर ये सोचा कि सर पांच मिनट पहले की तो बात ही हैज लेफ्ट कर दूं, नहीं भाई साहब ये बदतमीजी हो जाएगी. तो क्या करेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर. समझ आ गई ना बात? पास्ट टाइम वर्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. हाँ, अब देखिए ये आपके क्वेश्चन आसान आसान रहेंगे 15 तक, 15 के बाद थोड़े से किरणे हो जाएंगे. आई सॉ गेम ऑन टीवी लास्ट नाइट. तो लास्ट टाइम क्या है? लास्ट नाइट क्या है? पास्ट टाइम वर्ड. तो आप क्या यूज करेंगे? आई सॉ अ गेम. नो इम्प्रूवमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर. अगर किसी ने हैड सीन किया है लास्ट नाइट की वजह से, तो याद रखिए ये पास्ट का पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है. हैव सीन हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. सी नहीं हो सकता क्योंकि हैबिचुअल एक्शन के साथ तुम लास्ट नाइट थोड़ी बोलोगे, तो हैबिचुअल एक्शन भी नहीं है. आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना मुझसे बार बार कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे ये जो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पे नो एरर आता है, ये गलत हो जाते हैं. इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये होते ही हैं, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अटेम्प्ट करिए, नहीं होंगे गलत. आई टीच मोर देन 60 स्टूडेंट्स अप टू नाउ. कह रहा है मैं पढ़ाता हूँ 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक. तो पढ़ाता हूँ बोलोगे ना, या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना, वो अप टू नाउ बोल रहे हैं. अप टू नाउ का मतलब है प्रेजेंट टाइम वर्ड. तो आप क्या करेंगे? आई हैव टॉट. टीच नहीं कहेंगे, ए आंसर हो जाएगा. ए क्या कहेंगे? आई हैव टॉट मोर. अब क्या मतलब हुआ कि आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिए हैं कितने? 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप टू नाउ, है ना. तो कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो वो कह रहा है मैं 60 से ज्यादा बच्चे अब तक पढ़ा दिए हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर. कोई ऐसा काम जो हो गया है उसका जीवन पे आपके असर है और आप बता रहे हैं, प्रेजेंट टाइम वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे. क्वेश्चन नंबर 15, यू विल बी एन ऑफिसर ऑफ योर एरा. क्या मतलब है कि तुम बनोगे एक ऑफिसर अपने दौर के. एरा का मतलब होता है टाइम, अपनी एज के. Age and the country will be proud of you. Proud की spelling misprint हो गई है, proud, proud of you. और देश को तुम पे फख्र होगा. तो you will be an officer. तो कोई अगर तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है तो भाई ये तुम्हें क्या कर रहा है? तुम्हें emphasize कर रहा है, तुम्हें promise कर रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं motivation दे रहा है. तो ये सिर्फ एक future का sentence नहीं है, ये पोएट से आया है. प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या थ्रेट. तो एम्फेसाइजेशन का सेंटेंस है, तो यू के साथ शैल का इस्तेमाल होगा. यू शैल बी एन ऑफिसर. क्या मतलब हुआ? तुम एक ऑफिसर बनोगे ही और पूरे देश को तुम्हारे ऊपर नाज होगा. ठीक है भाई, तो ये तो एम्फेसाइजेशन ही है, सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16, ये सब पढ़ाया हुआ है, आज ही तो पढ़ाया है,
जिसने क्लास देखी है उसका सही भी हुआ है। We shall make chicken steaks for dinner for tomorrow night. कह रहा है कि हम बनाएंगे क्या चिकन स्टिक्स। चिकन स्टिक्स क्या होती है? चिकन की वो लंबी लंबी सीक्स होते हैं ना, अंग्रेज बनाते हैं कबाब, समझ लो चिकन के कबाब होते हैं। तो वी शैल मेक चिकन स्टिक्स फॉर डिनर, चिकन स्टिक्स बनाएंगे हम डिनर के लिए, बनाएंगे फ्यूचर की बात है, फॉर टुमारो नाइट कल रात के लिए, यस्टरडे नाइट नहीं कह रहा, फ्यूचर का टाइम है, सब कुछ फ्यूचर का है तो सब कुछ बढ़िया है, नो एरर, डी आप आंसर लगाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिल टूटा होगा, वो पता नहीं शेल का बिल कर रहे होंगे, बिल का शेल कर रहे होंगे। देखो वादा वादा तो है नहीं है, सीधी फ्यूचर की बात है। खाने के लिए तुम वादा नहीं करते हो कि माँ कसम कल मैं खीर खाऊंगा, ऐसे थोड़ी बोलते हो, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए खाने पीने की बात में तो वैसी प्रॉमिस हो, एम्फसाइजेशन और थ्रेट नहीं आता है। तो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। They shall go with you and serve you. कह रहे हैं कि they shall go with you, वो तुम्हारे साथ जाएंगे, and will serve you, और तुम्हें सर्व करेंगे। दोनों फ्यूचर के हैं, ये कंडीशनल नहीं है, यहाँ पे इफ नहीं है, यहाँ पे वेन नहीं है, यहाँ पे सपोज नहीं है, कोई कंडीशनल वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस प्योर फ्यूचर का सेंटेंस है। कह रहा है They shall go with you, वे तुम्हारे साथ जाएंगे, and will serve you, और तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हें सर्व करेंगे। तो आंसर है सी, विल तो लगाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि they shall go with you, वे तुम्हारे साथ जाएंगे and serve you, तुम्हें सर्व करते हैं, ये थोड़ी बात है, will serve you is better, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसी ऐसी क्वेश्चन होते हैं कि भाई कभी कभी आपको कॉन्सेप्ट आता भी है तब भी गलत हो जाता है, इसी का नाम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आप चीजें कर लेते हैं। He will be playing for 2 days by the end of this session. क्या कह रहा है? He will be playing for 2 days. वो 2 दिन से खेल रहा होगा. By the end of this session, इस session के अंत तक. इस question को ना मैं आपको बहुत गहराई से समझाऊंगा अगली class में. तो ये होना चाहिए He will. Have been. He will have been playing for 2 days. By the end of this session. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। इस क्लास का जो इस वाले क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊंगा इसका। इसीलिए मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है कि भाई नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन फिर इसमें क्यों डाला, इसलिए डाला कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने इसे कर दिया होगा, तो मुझे स्कोर्स भी जानने ना तुम्हारे, थोड़े सब मैं ही पढ़ाता हूं, कुछ तुम भी पढ़ के आते हो। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कह रहे हैं शी हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा बनाया है, कैसे? सिंस। अब देखो याद रखो, जब भी आप सिंस लगाते हो ना, तो सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, From then, तब से, till now, अब तक। क्या मतलब होता है From then, तब से अब तक? तो जब तुम तब से अब तक कहते हो मेरे बच्चे, तो present time word हो गया ना, नहीं समझे? जब भी आप since के साथ लगा हुआ देखेंगे कोई भी past time word, जब भी आप since के साथ लगा हुआ देखेंगे कोई भी past time word, तो आप समझ जाएंगे कि ये अब पूरा प्रेजेंट टाइम बन जाता है। प्रेजेंट टाइम क्यों बन जाता है? क्योंकि सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, नहीं समझे? भाई अगर मैं कह दूं सिंस मॉर्निंग या फिर सिंस 1940, सिंस यस्टरडे, तो क्या मतलब हुआ? या फिर कोई और चीज मैं मेंशन कर दूं, सिंस शी डाइड, या फिर सिंस वी न्यू ईच अदर। तो आप देखेंगे सिंस के साथ जब भी मैं कुछ लेके आ रहा हूं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तब से अब तक।
मतलब कब से, तब से अब तक, जब से वो मरी है तब से अब तक, सिंस शी डाइड, ऐसे सिंस वी नो ईच अदर, तो वी न्यू ईच अदर, क्योंकि हम पहले से जानते हैं, तो जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम वर्ड बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा शी हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा बनाया है, कब से, शी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कब से, अब तक। तो भाई यहाँ पे पास्ट टाइम वर्ड लगाएंगे, पास्ट टाइम लगाएंगे, सिंस शी स्टार्टेड अ बिजनेस, तो ये हैज नहीं आएगा, बस नहीं समझे, जैसे मैंने कहा शी हैज नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, क्या मतलब हुआ, उसने सुबह से नहीं खाया है, सुबह से कब तक नहीं खाया, अब तक नहीं खाया। तो जब भी सिंस के साथ कोई टाइम वर्ड लगता है तो वो प्रेजेंट टाइम वर्ड में आ जाता है। ऐसे ही मैंने कहा इंडिया हैज सीन many problems since 1940, ये इंडिया ने 1940 से लेके अब तक बहुत सारी problems देखी हैं, है ना, has seen many problems, कब से, तब से अब तक, तो तब से अब तक वाला sense since आपको देता है। ऐसे ही अगर आप since she died आप कह देंगे तो आप कह सकते हैं he hasn't, has not got married, उसने शादी नहीं की है, कब से नहीं की है, सिंस शी डाइड, जब से उसकी पहली वाली पत्नी मरी है, है ना। तो भाई पहली वाली पत्नी मरी, वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने फिर कभी शादी ही नहीं करी, है ना। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे यू हैव अर्नड 10K since you got this job, जब से तुम्हें जॉब मिली है तब से बस तुमने इसमें 10,000 कमाए हैं, you have earned 10K, कब से, जब से मिली है, तो मिलने वाला तो पास्ट में रहेगा, सिंस के साथ आप हमेशा पास्ट इंडेफिनेट लगा रहे हैं, आप देखिए पास्ट इंडेफिनेट लगाया है हमेशा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ऐसे ही बनाते हैं। तो सिंस का इस्तेमाल जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है ना, तो सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिटी लगता है, इसलिए यहां से मैंने हैज को काटा और इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको अपकमिंग क्लासेस में मिलते रहेंगे। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। और इतना लंबा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने आर्टिकल लिख लिए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, एंड स्टिल राइट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, और अभी भी एक न्यूज़पेपर के लिए लिखता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ये मेरे जीवन पे असर हो गया। असर क्या है कि मैं आज भी लिखता हूं, तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, है ना, नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस आगे ऐड अप भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट के होंगे या प्रेजेंट टाइम वर्ड बताते हुए होंगे। जैसे एक मैंने पीछे बताया था ये सिंस और फॉर वाला, और एक मैंने तुम्हें यहां पे बताया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा, अभी तो आधे भी क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तेज चलेंगे भाई, बनना थोड़ा थोड़ा तेज। She has not given any money yet. उसने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिया है, चलो ठीक है, yet बोल दिया ना, अभी तक। I won't give her any more credit. और इसका असर क्या है मेरे जीवन पे, कि अब मैं इस लड़की को और उधार नहीं दूंगा। इसने पिछले महीने मुझसे पैसा लिया कि प्लीज मुझे पैसे चाहिए, मुझे ना अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना है, तुमने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल इसको जमा करने के लिए इसको पैसे दे दिए। इसके बाद फिर ये तुमसे और भी पैसे लेती रही और कुछ लौटाया नहीं, तो तुम क्या कह रहे हो, शी हैज नॉट गिवन एनी मनी येट, वादे इसके सारे झूठे हैं, पैसा सारा खा गई है मेरा, ये रोज चमक रही है, पैसे मेरे से ले जाके ठीक है, मेकअप करवाती है, बाल कटवाती है, शानदार ठीक है, तुमसे कहती है दे दूंगी और पैसे लौटाती नहीं है, तुम्हारी एक दोस्त है। तो तुम क्या कह रहे हो, आई वोंट गिव हर एनी मोर क्रेडिट, अब और उधार नहीं दूंगा भाई, है ना, अभी और उधार नहीं दूंगा। सी इज द करेक्ट आंसर, समझ आ गई, सी नहीं, डी, कोई भी गलती नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आई हैव नॉट डेटेड एनी वन एनी मोर,
बड़ा अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है मैंने किसी को डेट नहीं किया है, अब और किसी को मैंने डेट नहीं किया है, कब से? सिंस शी लेफ्ट, जब से वो गई है। तो मुझे समझ में आ गया है कि बहुत अच्छा हुआ गई, जिंदगी आजाद हो गई है, अब किसी और को डेट नहीं करना। ऐसी कोई बात लड़का बेचारा कह रहा है। सो आई हैव नॉट डेटेड, किसी को डेट नहीं किया है। सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। एनी मोर एनी वन, किसी को भी, एनी मोर और नहीं किया है, कब से? सिंस, कब से? तब से अब तक, सिंस शी लेफ्ट, और सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनेट भी है, तो एक बार फिर से जाएगा। नो एरर, डी इज दी करेक्ट आंसर। ये नो एरर वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें इसलिए ज्यादा कराता हूं ताकि कभी एग्जाम में ये तुम्हारे गलत नहीं हो। सीधे वाले क्वेश्चन सही होते हैं बच्चों के, नो एरर में गलती मारते हो, इसलिए नो एरर का कॉन्फिडेंस अलग ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बताइए। शी हैड ऑलरेडी ब्रोक द लॉक व्हेन आई बॉट द कीज, तो शी हैड ऑलरेडी ब्रोक थोड़ी होना चाहिए, शी हैड ऑलरेडी। अब हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगती है ना, ब्रोकन। बस इतना सा एरर था, बी इज दी करेक्ट आंसर, बाकी सब सही है। क्या मतलब हुआ? शी हैड ऑलरेडी ब्रोकन द लॉक, वो पहले ही ताला तोड़ चुकी थी। कब? व्हेन आई ब्रॉट द कीज, जब तक मैं चाबियां लेकर आया। तो लड़की को सब्र नहीं था, चाबियां लाने से पहले इसने ताला तोड़ दिया। तो दो काम हुए, एक ताला टूटा और एक चाबी आई। तो पहले क्या काम हुआ? पहले ताला टूटा, इसलिए ये वाला पोर्शन आपने बनाया पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला पोर्शन आपने बनाया पास्ट इनडेफिनेट में। आगे ना बात समझ में? तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस था, लेकिन गलती क्या थी? गलती थी एट यूनिवर्सल रूल वाली, ब्रोक की जगह ब्रोकन करना था। बी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये सब मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। कह रहा है व्हेन आई हैड रीच द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था, द फ्लाइट हैड लेफ्ट, तो फ्लाइट भी जा चुकी थी। अरे दोनों ही पास्ट परफेक्ट में बना दिए है ना। देखो ये भी पास्ट परफेक्ट में बना दिया और ये भी पास्ट परफेक्ट में बना दिया, यही बदतमीजी हो गई। तो जरा सोचो पहले क्या बात हुई होगी, पहले ये एयरपोर्ट पहुंचा होगा या पहले फ्लाइट चली गई होगी? पहले फ्लाइट चली गई होगी, तो ये वाला तो सही बना है, इसमें से हेड काट दो, क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया। अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट, सेंटेंस खत्म, आंसर इज ए। अब क्या हो गया? When I reached the airport, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा था, the flight had left, flight had already left, जा चुकी थी। आंसर इज ए। आसान है ना? क्वेश्चन नंबर 25। सब वही क्वेश्चन है जो आपको आज पढ़ाया गया है, उसी से आपको आज सिखाया भी जा रहा है। If I have studied French at school, अगर मैंने पढ़ ली है, क्या कह रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैंने फ्रेंच पढ़ ली है, इफ आई हैव स्टडीड फ्रेंच एट स्कूल, आई वुड हैव गॉट द जॉब, तो मुझे जॉब मिल गई है। ये क्या बात हुई है ना? आई वुड हैव गॉट, तो मुझे जॉब, इफ आई हैड, तो यहां पे कहना चाहिए आपको इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ चुका होता फ्रेंच स्कूल में, अगर मैंने फ्रेंच स्कूल में पढ़ी होती, आई वुड हैव गॉट द जॉब, तो मुझे जॉब भी मिल गई होती है ना। तो भाई ये जो वुड हैव गॉट है ना, ये पास्ट है, क्योंकि वुड का इस्तेमाल आप पास्ट में करते हैं, तो यहाँ पे भी आप पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने पढ़ाई कर ली है फ्रेंच स्कूल में, तो मेरी जॉब लग गई होती, अगर पढ़ाई कर ली होती बोलोगे ना, पास्ट में, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, इफ आई हैड स्टडीड फ्रेंच, हैव की जगह हैड। क्वेश्चन नंबर 26। ट्रिक क्वेश्चन है, पहले बता दिया है, उम्मीद है ये कर दोगे। वी विल हैव डिलीवर्ड द पार्सल, हम पार्सल डिलीवर कर चुके होंगे। अब कोई सोचेगा कि सर यहां पे विल की जगह शैल कर दो ना, क्योंकि ये कोई वादा वादा थोड़ी है, चलो ठीक है कर देते हैं। लेकिन इससे बड़ा एक ब्लंडर सेंटेंस में है जिसपे शायद आपकी नजर नहीं पड़ी। तो वी विल हैव डिलीवर्ड द पार्सल बिफोर द सन सेट्स, इससे सन सेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा क्योंकि फ्यूचर की बात है, हम पार्सल डिलीवर कर चुके होंगे सूरज डूबने से पहले, तो सन सेट्स बोलोगे ना, या कि सनसेट ना, सन सिंगुलर थोड़ी है, सन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे सिंगुलर ना, तो आप यूज करेंगे इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, सेट की जगह सेट्स, बाकी टेंस बिल्कुल सही है, पार्सल डिलीवर कर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है।
सूरज डूबने से पहले। अगला क्वेश्चन, शी विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय 2021। तो वो ऑफिसर बन चुकी होगी कब की, 2021 में वो ऑफिसर बन चुकी होगी। एंड सर्व द नेशन बेटर, अपने नेशन को बढ़िया से सर्व करेगी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एंड विल सर्व द नेशन बेटर, वही वाला तो सेंटेंस है। शी विल हैव बिकम द ऑफिसर, वो ऑफिसर बन चुकी होगी 2021 तक, एंड विल सर्व द नेशन बेटर। तो आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, विल सर्व द नेशन बेटर। फ्यूचर की बात हो रही है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कितना प्यारा सेंटेंस है, शी शैल हैव डाइड, वो अभी मरी नहीं है, मर चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की हालत है बहुत बुरी है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ है, आप डॉक्टर को बुला रहे हो, डॉक्टर कह रहा है भाई साहब मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, मैं बहुत दूर हूं। तो तुमने क्या कहा, शी शैल हैव डाइड बाय द टाइम द डॉक्टर कम्स, तो वह मर चुकी होगी, एम्फेसाइज करके कह रहे हो तुम, वो मर चुकी होगी कब तक, बाय द टाइम द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर आएगा ना। तो अगर किसी को लगता है फिर यहाँ पे शैल की जगह विल कर दो, तो ये बात नहीं है। किसी को मरने के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जब तक मर चुकी होगी, जब तक डॉक्टर आएगा, है ना। तो आएगा, बाय द टाइम डॉक्टर कम्स, तो ये बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनेगा, ठीक है। तो सेंटेंस में जाएगा नो एरर डी। तो शी शैल हैव डाइड, वो मर चुकी होगी कब तक, जब तक डॉक्टर आएगा। तो आएगा डॉक्टर विल कम नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा, फ्यूचर बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी फ्यूचर बताता है, ठीक है। उसी ये वही वाला सेंटेंस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है सिंस लास्ट वीक शी हैज विजिटेड द डॉक्टर थ्राइस। सिंस लास्ट वीक का मतलब है तब से अब तक, कब से, लास्ट वीक से अब तक, तो ये सही है। शी हैज विजिटेड, उसने डॉक्टर को विजिट किया है थ्राइस, 3 बार, तो नो एरर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा आप जरा बताओ, नो एरर भैया, तब से अब तक पास्ट टाइम है लेकिन सिंस है, तो यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ये जो यूज हुआ है ये प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि सिंस का इस्तेमाल हो गया, पीछे बताया था ना, आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, इसके बाद आप मुझे बताएंगे अपना स्कोर आउट ऑफ 30। जिसका भी 25 से नीचे आ गया ना, बड़ा मामला खराब हो जाएगा उसका, 25 से कम नहीं होना चाहिए इसको, है ना। और 20 से कम तो मतलब समझ लो चैप्टर को दोबारा ही देखना है, तो 10 क्वेश्चन थोड़ी गलत कर दोगे। The Chief Minister of West Bengal, जो Chief Minister है West Bengal के, will leave for the meeting. वो निकलेंगे meeting के लिए with the PM this Friday. अब तुम this Friday भी कह रहे हो, तो भैया official plan हो गया ना, और अगर official plan है तो sentence किस में बनेगा, present indefinite में। तो the Chief Minister of West Bengal leave नहीं होगा, leaves for the meeting, है ना, leaves for the meeting, निकलेंगे meeting के लिए With the PM, PM के साथ इस फ्राइडे, तो ये ऑफिशियल प्लान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। जरूर बताना कि आउट ऑफ 30 आपको स्कोर कितना आया है, है ना। अब हम चलते हैं, अच्छा किसी का स्कोर अगर लेस देन 20 आया है, लेस देन 20, तो उसको क्लास में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो एक बार देख लेना। अगर 20 के अंदर है तो समझ में आ गई है, अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। पहली क्लास है टेंस की, 3 क्लासेस है टेंसेस की, दूसरी क्लास में और सीखोगे, तीसरे में एकदम छाती चौड़ी खुला के घूमोगे टेंस में, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सब्र तो करो, अभी तो फेस वन है। चलो भाई फटाफट एंटोनिम लगाएंगे। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड लगाना है, वो तो शैबली का ऑपोजिट वर्ड आपको मुझे बताना है। 15 मिनट में क्लास खत्म करनी है मुझे ये, ठीक है। 20 क्वेश्चंस बाकी है, क्योंकि ना मेरी एक और क्लास है अभी, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइव। तो कह रहा है जॉन इज ऑलवेज शैबली ड्रेस, शैबली का मतलब होता है बुरी तरीके से, बैडली, अनटाइडली, गंदे गंदे से, मतलब बहुत ही गंदे से, साफ सुथरा ना हो, तो जिसका उल्टा हो जाएगा डिसेंटली, मॉडेस्टली,
ब्यूटीफुली भी इसका सिनोनिम जैसा होगा, इसका डिसेंटली का सिनोनिम होगा। एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब हो जाएगा एकदम मोर बन के आया है, बहुत शानदार वाले जूते, चम चम, है ना। एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होगा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिवली, है ना। स्पेंडथ्रिफ्टली, तो एक्सपेंसिवली और बहुत ही स्पेंडथ्रिफ्टली आया है। स्कैंटली का क्या मतलब होगा? स्कैंटली का मतलब होता है कमी से, स्कैंटी, स्कैंटी मतलब डर्थ, लैक, डेप्रिवेशन, है ना, किसी चीज की कमी होना है। स्कैंटी, डर्थ, लैक, डेप्रिवेशन, DERTH है ये, डर्थ, ना, ये सारे के सारे सिनोनिम होते हैं। तो मैंने इसके कुछ सिनोनिम भी दे दिए और आंसर भी बता दिया, ए होगा, ठीक है। ये आप अपने वोकैब रजिस्टर में नोट करते रहेंगे। यकीन जानिए एक एक क्लास में 70-70 वर्ड आप लेके जाएंगे, आज ही की क्लास में गिन लेना, आपके पास 100 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसी पेज पे कितने हो गए, शैबली के लिए बताए 2 वर्ड, है ना, 2, डिसेंटली के लिए बताए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 वर्ड तो यही मिल गए आपको पहले पेज पे, तो 100 वर्ड बहुत आराम से हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन है आपके पास वोकैब, बस आपके पास आपका वोकैब रजिस्टर तैयार होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू डेवलप थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? फ्रूगल। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? माइजर। माइजर का क्या मतलब होता है? निगर्ड। निगर्ड क्या होता है? पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का क्या मतलब होता है? कंजूस, मक्खी चूस, स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट, पिंच पैनी, पिंच फिस्ट, ये सारे के सारे कौन है मेरे बच्चे? सारे के सारे कंजूस और मक्खी चूस है, है ना। तो इन सब के साथ ये सारे के सारे कंजूस कब, तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, सस्ता, चीप, यही वर्ड इसमें आंसर हो जाएगा आपको। ये आंसर नहीं है, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, हमें बताना है इसका उल्टा वर्ड। उल्टा ही बता रहा हूँ ना, सीधा तो नहीं बताया था इसका, नहीं सीधा नहीं बताया था, उल्टा ही बताया था। हाँ भाई, तो उल्टा वर्ड बताना है इसका, थ्रिफ्टी का उल्टा। तो एक्स्ट्रावेगेंट होगा। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या मतलब होता है? जो दिल खोल के खर्च करता है, जैसे कि स्पेंडथ्रिफ्ट। एक वर्ड और आता है इसके लिए, प्रोडिगल, खर्चीला, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जूरियस, ठीक है, गुड, तो आपको पता ही है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली। तो देख लो इस पेज पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मोर देन 10 वर्ड्स आपको इस पेज पे भी मिल गए। इसलिए बोल रहा हूं, अगर वोकैब रजिस्टर लेके नहीं बैठे हो तो नाकामयाबी चूमेगी तुम्हारे क्या अधम। क्वेश्चन नंबर 33, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब? अरे क्यूमुलेटिव एफर्ट, क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव, क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव, ये दोनों हो गए सिनोनिम, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स इज क्वाइट बैड। तो क्यूमुलेटिव कलेक्टिव, तो उल्टा बताना है इंडिविजुअली, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली मतलब पक्का, श्योरली, क्लियरली आपको पता ही है। तो एज सच यहां पे कोई वर्ड ही नहीं है सिनोनिम्स देने के लिए, सारे बड़े आसान है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ही वाज कॉन्स्पिकस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो एकदम साफ दिख जाए, है ना, चमक जाए अलग से, मतलब इसके लिए कई सारे वर्ड आते हैं। ल्यूसिड, पीई डबल एल यू सी आई डी, प्लूसिड, एक्सप्लिसिट, अन एम्बी, अनएम्बिगुअस। तो ल्यूसिड, प्लूसिड, एक्सप्लिसिट, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, इन सब का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर, जो साफ दिखता हो, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, नोटिसेबल, है ना। और ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए, जिसे नोटिस किया जा सकता हो, जो साफ दिख जाए, क्लियर के सिनोनिम हो गए। अब इसके उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा? उल्टा वर्ड हो जाएगा इसका जो कि अनक्लियर हो। हाँ हाँ हाँ, तो नोटिसेबल इसका सिनोनिम होगा ना, नोटिसेबल।
और अननोटिसेबल इसका आंसर हो जाएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। स्मॉल, चार्मिंग, अगली से कोई मतलब नहीं है। चार्मिंग इज बेसिकली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 35। तो एनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज में लीन होना। ही वाज एनग्रॉस इन हिज वर्क, लीन था वो अपने काम पे। तो एनग्रॉस मतलब ऑक्यूपाइड, बिजी, है ना। तो ये तीनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। इसके बाद इनअटेंटिव इज द करेक्ट आंसर, जब आप किसी को अटेंड नहीं कर रहे हैं, अनअटेंटिव बैठे हैं। एंगेज्ड इज आल्सो अनदर वर्ड फॉर दिस, ये भी सिनोनिम हो गया। एनग्रॉस्ड, ऑक्यूपाइड, बिजी, एंगेज्ड, एक ही बात है, चारों को एक साथ लिख लेंगे, सिनोनिम है। एब्सेंट से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर इज बी। गायब थोड़ी मिला वो, उसे बिजी मिला या फिर इनअटेंटिव, उसका उल्टा बताना, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। He handled the machine with deft fingers. Deft का मतलब होता है निपुण, बेसिकली skillful, skillful, dexterous, adroit. तो skillful, dexterous, adroit तीनों के तीनों synonym है। इन सब का मतलब होता है क्या, skillful, निपुण, जिसे आप कहते हैं निपुण। तो इसका उल्टा बताना है, इसका उल्टा हो जाएगा क्लम्सी। क्लम्सी का मतलब होता है अजीब, ऑकवर्ड, वियर्ड, ग्रोटेस्क। क्लम्सी मतलब कुछ ऐसा जो कि भद्दा सा देखने को दे, मतलब भद्दा, 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 अजीब, अजीब, ग्रोटेक्स, स्ट्रेंज कह सकते हो, बिजार, ऑड, स्ट्रेंज, ये सारे के सारे सिनोनिम होते हैं, ठीक है। तो स्टर्डी का मतलब क्या होता है, स्टर्डी का मतलब होता है लंबा चौड़ा, इसके लिए ब्रूजर, स्टर्डी, ब्रूजर, स्टॉलवर्ड, ठीक है, मतलब रोबस्ट, लंबा चौड़ा, विशाल में, तगड़ा। डेलीगेट का मतलब तो आप जानते हैं, सॉफ्ट होता है। क्विक का मतलब भी आप जानते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें डी, क्योंकि आपको क्लम्सी बताना था, क्लम्सी मतलब अजीब सा, यहां पे क्या था, डेफ्ट मतलब स्किलफुल, क्लियर है, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट करते नहीं, इस पेज पे तो बहुत सिनोनिम थे, 15-20 सिनोनिम थे, 15 के आसपास। ही हेट द कॉन्टिन्यूअल आर्गुमेंट, कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो रुक रुक के लगातार हो रहा हो, जैसे तुमने सुना है, तुम कहते हो ना कि यार हमारे पड़ोस में हमेशा मियां बीवी लड़ते रहते हैं, हर एक घंटे में आवाज आती है, तो हर एक घंटे का मतलब ये नहीं हमेशा ही आवाज आती रहती है, थोड़ी देर के लिए चुप भी होते हैं। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक कर लगातार, बेसिकली जैसे कॉन्टिन्यूअल विकेट फॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो हुआ क्या, पहला विकेट गिरा 10 पे, दूसरा गिरा 25 पे, तीसरा गिरा 35 पे, चौथा गिरा 100 पे, पांचवा गिरा 120 पे, छठा गिरा 123 पे, है ना, और ऐसे करके 150 पे पूरी टीम निपट गई। तो ये क्या था, कॉन्टिन्यूअल विकेट फॉल, लगातार, ठीक है, मतलब रुक रुक के लगा था थोड़े टाइम के लिए। तो इसका ओकेजनल इज द करेक्ट आंसर, सी, ना, क्योंकि ये रिपीटेड इसी का सिनोनिम है। इरेशनल का मतलब होता है नॉट लॉजिकल, ठीक है, और रेगुलर आपको पता ही है, तो आंसर इज बेसिकली सी। क्वेश्चन नंबर 38। Arrangements were made to handle the mammoth gathering tactfully. Mammoth का मतलब होता है huge, है ना, बहुत ही बड़ा कुछ, huge. तो significant इसका synonym हो जाएगा important. Significant का मतलब important होता है. तो mammoth huge और significance मतलब important. तो थोड़ा सा difference है. Small is the correct answer. Unruly का मतलब होता है rude, coarse, कार्स, चर्निश, लाउड, ना, अभद्र, जिसे तमीज नहीं होती है, है ना, जो अच्छे से नहीं होता, है ना, ऐसा लगता है बहुत ही बेसिक है, अजीब सा है, अनरूली। नॉइजी आप जानते ही हैं, जिसमें शोर हो, इसके लिए एक वर्ड और होता है बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस एंड नॉइजी। बॉइस्ट्रस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है,
बी इज द करेक्ट आंसर, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 9 वर्ड आपको मिल गए हैं। ओके, आप रजिस्टर में लिखते रहिए जो नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 39 पे अब हम पहुंच गए हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूवन टू बी एन ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, है ना, शुभ। ऑस्पिशियस इज फॉर्चुनेट, तो इसका उल्टा क्या होगा, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है हैपलेस। हैपलेस कौन होता है, रेच। रेच कौन होता है, मोरोस। मोरोस कौन होता है, कुछ ऐसा जो कि मनहूस हो। सेपल्क्रल, टेनिब्रस, टेनिब्रिफिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओमिनस, ओल्ड। प्रेशियस आप जानते ही हैं, जो कि कीमती हो। प्रेशियस, यूजलेस, अनफॉरगॉटेबल, आंसर इज बी। एक बार फिर से आपको 7-8 वर्ड मिले हैं, नोट करते चाहिए। द विटनेस कॉरोबरेटेड, कॉरोबरेटेड वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। कॉरोबरेटेड का मतलब है कि उसने कंफर्म किया, है ना, एक एक वर्ड स्टेटमेंट का। तो कॉरोबरेटेड और कंफर्म्ड हो गए आपके सिनोनिम्स। एक्सेप्टेड से कोई मतलब नहीं है। डिनाइड इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म करना, उसका उल्टा डिनाई कर देना। डिनाई का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिनाउंस, रिलिंक्विश, सीड या गिव अप, है ना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना किसी चीज को, है ना, कह देना मैंने छोड़ दिया है अब नहीं करना, ये सारे नाउंस में। तो रिपीटेड आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्यूसेंट का क्या मतलब होता है, क्यूसेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि साइलेंट आप कह सकते हो, मतलब कुछ ऐसा जिसको बहुत ज्यादा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता हो, पड़ा हुआ है। क्यूसेंट इज डॉर्मेंट बेसिकली, लेजी कह सकते हो, है ना। अब लेजी के कई सारे सिनोनिम्स आते हैं, जैसे लैकडाइसिकल, लैंगोरस, लैंग्वाइड, या फिर लैंग्वाइड, लैंगोरस, लैकडाइसिकल, लेजी, ये सारे के सारे होते हैं। स्लगिश, लिथार्जिक, ठीक है, ये सारे के सारे लेजी होते हैं, लेजी, है ना। तो क्विजेंट कौन होता है, थोड़ा सा अलग होता है लेजी से, डॉर्मेंट होता है, इनएक्टिव है, बस उस स्टेट में है कि कुछ काम नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव, ए इज द करेक्ट आंसर। वीक से और अनकंसर्न से कोई मतलब नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। प्लैजिटस का मतलब होता है जो, मतलब क्रिमिनल हो बेसिकली, क्रिमिनल, विलेनस, वाइल, कुछ ऐसा जो बुरा हो, क्रिमिनल, विलेनस, वाइल, है ना, डेस्पिकेबल, विकेड, फैलन, है ना, ये सारे क्रिमिनल होते हैं, फ्लैजिटियस। तो इसका उल्टा आपको बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा सीधा साधा। वैपिड का मतलब होता है डल, इग्नोरेंट आपको पता है, जो जिसको ज्यादा जानकारी ना हो, है ना, अनजान, अनअवेयर, और फ्रिवलस का क्या मतलब होता है, फ्रिवलस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि बेसिकली जिसको नादान, जिसे आप कह सकते हैं, या इग्नोरेंट ही होता है, क्लोज टू इग्नोरेंट होता है। फ्रिवलस मतलब अनअवेयर ही समझ लीजिए, ठीक है, आंसर इज ए। फ्रिवलस ऐसे ही बंदे को कहते हैं जिसके अंदर एनर्जी तो है पर वो बेकार की, किसी काम की नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। रिलिंक्विश, अभी ये वर्ड हमने पीछे किया था तो इसको तो डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता। रिलिंक्विश, सीड, मतलब गिव अप होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिनाउंस, ठीक है, और आंसर हो जाएगा सी, छोड़ देना। रिनाउंस, रिलिंक्विश,
सीड गिव अप, क्या मतलब है? किसी चीज को छोड़ देना, है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पजेस कर लेना, पा लेना। डिनाई भी इसका सिनोनिम जैसा होता है, रिजेक्ट कर देना होता है इसका मतलब। और एबडिकेट का क्या मतलब होता है? एबडिकेट का मतलब होता है कि अपने सिंहासन को छोड़ देना, है ना। एबडिकेशन, एबडिकेशन ऑफ द थ्रोन, अपने सिंहासन को छोड़ देना, ठीक है। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा आदमी जो कि हो डिसलॉयल, ट्रेचरस, डिसलॉयल, इंसीडियस, विश्वासघाती, ट्रेटर, झूठा, है ना। कुछ ऐसा जो जो कि फ्रॉड करा है, धोखा दिया है कंपनी को या कंट्री को, तो इसका उल्टा हो जाएगा जेन्युइन। डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेचरस इसका सिनोनिम में डाल दिया है मैंने। लीचरस एक अलग वर्ड है। लीचरस का मतलब होता है हफ्सी, मतलब समवन हु हैज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, जिसके दिमाग में हर समय सेक्स और ऑब्सिनिटी चलती रहती हो, है ना। तो लीचरस, लूड, लिसेंशियस, ठीक है, ऑब्सीन भी बोल सकते हैं, वल्गर भी बोल सकते हैं, मतलब समवन हु इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स। कैंडिड का मतलब होता है फ्रेंडली। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट वर्ड, बी लिटिल करना किसी को। भाई पांच क्वेश्चन बड़े बचे हैं, बहुत तेज तेज हमें चलना है। तो बी लिटिल का मतलब होता है किसी को बेसिकली डेप्रिकेट करना, है ना, इंसल्ट करना, डाउनग्रेड करना, है ना। किसी को ऐसा समझ ला रहे ये तो बेकार है, तो बिलिटल, इंसल्ट, क्रिटिसाइज, ये सारे के सारे सिनोनिम है। डाउनग्रेड ये भी इसका सिनोनिम है। एक ही बचा फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है फॉन, फॉनिंग, फ्लैटरिंग, कोएक्स, है ना, सर्वाइल, चापलूसी करना, बूट लिकिंग, चापलूसी करना। तो फ्लैटर, फॉनिंग, कोक, सर्वाइव, बूट लिकिंग, ये सारे के सारे सेम होते हैं, चापलूसी करना, है ना। आंसर हो जाएगा इसका फ्लैटर, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे जो लिखे हैं सारे इसके सिनोनिम है फ्लैटर के, या फिर वो बिलिटल के सिनोनिम है। दो ही वर्ड थे, उन्हीं की एक्सटेंशन इसमें थी। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कह देना। तो एग्जैजरेट मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कह देना। तो एग्जैजरेट का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट, तो ये सेम हो जाएंगे। अंडरएस्टेट, अंडरएस्टेट का मतलब होता है कम आंकना या कम कहना। एग्जैजरेट का मतलब है मैंने तुमसे पूछा भाई शूज बहुत बड़े लग रहे हैं, कितने के लिए? शूज थे तुम्हारे 3,000 के, तुमने कहा था 6,000 के लिए। बढ़िया मिल गया 6,000 में तो। अंडरएस्टेट का मतलब है अब जब तुम पापा को बताते हो, पापा पूछते बेटा जूते कितने का लाया था ये, और 600 का लाया, 600 का लाया, 500 में मिल जाते ये। तो ऐसे ही होता है ना, मैं कोई भी चीज अगर महंगी ले आता हूँ मम्मी को हमेशा कम की बताता हूँ, तो एंटर स्टेट कहते हैं कम करने को। अबेंडेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। प्लियोथोरा, प्लेंटिट्यूड, है ना, अबेंडेंस किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, अबेंडियोरा, प्लेथोरा, प्लेंटिट्यूड, अबेंडेंस होना। एक्सर्प्ट का मतलब होता है, कहते हैं ना ये एक्सर्प्ट इस बुक में से लिया गया, इस पोयम से लिया गया। एक्सर्प्ट का मतलब होता है बेसिकली समरी या फिर प्लॉट या फिर पोर्शन जो कहीं से लिया गया हो। तो आंसर हो जाएगा बी। एक्स्ट्रावेगेंट आज करा चुका हूं, उसके सिनोनिम भी करा चुका हूं। हिरस्यूट का मतलब क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। हिरस्यूट का मतलब होता है बॉडी जिसकी भालू जैसी हो, बालों वाली, है ना। तो बालों वाला का उल्टा हो जाएगा गंजा। स्कैली का मतलब यही होगा, हिरस्यूट, हैविंग हेयर, यस, स्कैल्स। इरुडाइट का मतलब होता है लर्नेड, पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्यादा काबिल। तो आंसर हो जाएगा बी, बॉल्ड मतलब गंजा। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीगेरियस कौन होता है? तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है ऐसे लोग जो बड़े मिलनसार होते हैं, मिलके चलना बड़ा पसंद है। तो ग्रीगेरियस मतलब सोशल। कैंडिड एक वर्ड पीछे करा है, फ्रेंडली, टॉकेटिव भी होते हैं ये, टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाले, है ना। एमिएबल, एक वर्ड और आता है इनके लिए, एमिकेबल,
ये सारे के सारे अच्छे मिजाज वाले, ज्यादा बोलने वाले, सोशल लोग, इनके उल्टे कैसे जो चुप रहते हैं, है ना। चुप रहने वाला बड़ा खतरनाक होता है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। ज्यादा बोलते हैं ना कभी उनके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। कि चुप रहने वाले क्या कर जाए ना, पता नहीं है, मुझे तो डर लगता है उन लोगों से जो बहुत कम बोलते हैं, तो एंटी सोशल हो जाते हैं। ग्लोरियस आप जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को ऐसे जज करो, पर यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, दो चार पांच बार हुआ, जज मैं अभी भी नहीं करता हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। ग्लोरियस का मतलब होता है विक्टोरियस, विजयी, विक्टोरियस। एमिएबल बता दिया, सिमिलर तो सेम होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सोडस का क्या मतलब है? देखो भाई, जैसे क्वेश्चन आया मुझे पॉज कर दिया करो। एक्सोडस का मतलब होता है जर्नी, ऐसी जर्नी जहां से आप, जब आप कुछ छोड़कर जा रहे हो, है ना, सफर। जैसे गदर में एक्सोडस दिखाया है कि इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया आ गए, है ना। तो इसका हिजरा, हिजरा इज एन अगेन एन इंग्लिश वर्ड। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने हिजरा किया था जो मदीना चले गए थे मक्का से, तो ये भी क्या है, ये भी एक जर्नी होती है, एक्सपीडिशन, जर्नी। तो बाहर जाने के लिए, है ना, एमिट करने के लिए एग्जिट जर्नी होती है। लेकिन जब कोई अंदर आता है तो उसको हम इनफ्लक्स बोलते हैं। इनफ्लक्स मतलब फ्लड, किसी चीज का अंदर आना, बाहर जाना एग्जोडस। जैसे कुछ बुरा होता है देश में, सब छोड़ के जाते हैं, तो वो एग्जोडस होता है। कुछ अच्छा हो रहा होता है तो वो इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स ऑफ पीपल इन कैनेडा। जैसे पूरी दुनिया से लोग आज कैनेडा जाके बस रहे हैं तो वो इनफ्लक्स है। सीरिया से लोग भाग रहे हैं तो वो एग्जोडस है। रिटर्न से कोई मतलब नहीं, रिस्टोरेशन से कोई मतलब नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबल का मतलब होता है जिसको ब्लेम दिया जा सकता हो। कल्पेबल कौन होता है? जिसको ब्लेम दिया जा सकता हो, ठीक है। तो कल्पेबल जिसको ब्लेम दिया जा सकता हो, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बेसिकली क्या, ब्लेमलेस। केयरलेस से कोई मतलब नहीं, डिफेंडेबल जो खुद को डिफेंड कर सकता हो, मतलब इसको कोई ब्लेम नहीं दिया गया, ठीक है भाई। तो ये थी आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे वोकैब के वर्ड भी आपको मिल गए होंगे। तीन गुजारिशें हैं मुझसे, आप मेरी आपसे, छोटी छोटी, बड़ी छोटी छोटी। सबसे पहले तो मुझे आउट ऑफ 30 जरूर स्कोर बताना, 50 क्वेश्चन है पर आउट ऑफ 30 इसलिए कह रहा हूँ कि वोकैब पे भी मैं कंसर्न नहीं हूँ, ग्रामर पे कंसर्न हूँ कि आया या नहीं आया। तो आउट ऑफ 30 आप स्कोर बताएंगे। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये भी बताएंगे कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपको, हाँ, किस किस ने आप में से वोकैब रजिस्टर अब तक बना लिया है ना, जिन्होंने बना लिया है वो जरूर बताएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।